हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जामपुर कैसे हैं आप लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तनिषा छोटी सरदारनी जसवीर सिंह अनुपम सिंह यूपीएससी लवर आई एस अच्छा अच्छा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप नए स्टूडेंट हो बहुत बढ़िया गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि जो भी बच्चे 10 अक्टूबर प्रिलिम्स के पेपर में अपियर हो रहे हैं तो उन बच्चों के लिए मैं पूरा डेढ़ साल का न्यूज पेपर भी कवर करूंगी ठीक है जैसा कि मैंने आपको कल ही ये चीज बोल दी थी ठीक है तो अब मेरे क्या रहेगा जैसे तीन तीन टॉपिक आज के हैं तो दो टॉपिक मेरे पिछले हो गए ठीक है तो तीन टॉपिक मेरे पिछले हो गए या दो टॉपिक आज के हो गए कोई भी एक टॉपिक के बारे में हमने सब कुछ जान लिया मैं आगे से आपको पहले स्पेसिफाइड बता दूंगी कि ये ये फैक्ट्स है या ये ये, ये चीज है जो प्रिलिम्स में आती है और मेन्स के लिए आपको इस तरीके से करना तो फॉर्मेटिंग की कोशिश करूंगी मैं आपको क्लास के अंदर ही फॉर्मेटिंग बता दूंगी जिससे कोई भी बच्चा नया है या जो बच्चे को नहीं पता तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके दूसरी चीज ये है गायस आप आ, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए आप में से जो भी बच्चा नया है जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ रहा है ठीक है आ, आप लोग फर्स्ट फर्स्ट आ, जून से लेके अभी तक का सारा डीएनए को देखिए और प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज नोट्स आप लोग अपने अपनी हैंडराइटिंग में बनाइएगा ठीक है अपने आप नोट्स बनाइएगा क्योंकि गाइस जितने भी टॉपर हैं वो हर व्यक्ति यही बोलता है कि नोट्स पढ़ने के बाद नोट्स आपके अपने बने होने चाहिए कोई आपको अलग से द हिंदू नहीं पढ़ना कोई आपको इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ना कोई आपको अलग से ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को पढ़ो साथ साथ-साथ आप ये डीएनए को देखो ठीक है और डीएनए में मेरी भरपूर कोशिश रहेगी मैं 360 डिग्री से मैक्सिमम सारे टॉपिक डेढ़ साल के सारे टॉपिक को कवरअप कर दू दूसरी चीज जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे कोई भी टॉपिक लिखा एग्जाम्पल है जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड लिखा ठीक है अब मान लीजिए तीन महीने के बाद फिर दोबारा से वन नेशन वन राशन कार्ड आ रहा है न्यूज में तो अब आप दोबारा से वन नेशन वन राशन कार्ड लिखोगे आप लोग करो क्या जैसे आपने अपनी कॉपी में यहां पर लिख दिया टॉपिक फर्स्ट वन नेशन वन राशन कार्ड अब बेटा यहाँ पे ना साइड में लाइन छोड़ दिया करो अपने नोट्स कॉपी में कि जैसे मान लो तीन महीने के बाद सरकार ने कुछ चेंज किया है तो यहाँ पे पॉइंट में लिख लो कि सरकार ने ये ये चीज चेंज करी है आप समझ रहे हो मेरी बात अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंग्रूव वाला जो आज का टॉपिक होगा ये टॉपिक दो में है ये 2017 के प्रीलिम्स में भी आया है 2015 के प्रीलिम्स के पेपर में आया हुआ है इंटरव्यू में पूछा हुआ है अब देखो 2021 में भी है आप समझ रहे हो अभी उड़ीसा सरकार ने मैंग्रोव्स लगाने की बात करी है तो अब आप लोग जो बच्चा 2022 का है 23 का है वो बच्चा इसी तरीके से अपनी नोट्स कॉपी को बनाएगा यहां पर टॉपिक लिखा साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है जो भी करंट अपडेट होता है वो आप यहां पे लिखते हुए चलेंगे ठीक है तो ये आप लोगों को अपने नोट्स में करना है इस तरीके से आपको चलना होगा ठीक है चलिए दूसरी चीज ये है आप लोगों का आज के इस एडिटोरियल में स्वागत है ठीक है डीएनए में स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का आप लोगों को कल मैंने बताया है फिर भी मैं धीरे धीरे करके आपको सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा 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 डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बताती रहूंगी जिससे आप लोगों को जो दुविधा में है उन बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई ये सब्जेक्ट मेरे बस का है कि नहीं है ठीक है तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करना ठीक है ये हम सभी टीचर्स का कर्तव्य है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन हम लोग शुरू करते हैं खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हालत में लोग गिरे हुए मकानों की ईटे तक ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है तो कोई साथ नहीं देगा उसका हर कोई उससे पीछे हटने लगेगा ठीक है और जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम होता है जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है लाइफ में ठीक है तो सामने वाला भी उसे सलाम करता है और इतिहास बनाते हुए वो व्यक्ति चलता है इसीलिए कल को अगर आपको लगे यूपीएससी की जर्नी इतनी लंबी है आपको ऐसा फील होगा कई बार भाई बहुत मुश्किल है अरे बहुत वाइड है अरे नहीं हो रहा अरे मेरी बहन की शादी है मुझे शादी अटेंड करनी है आपको ऐसा भी फील आएगा कि अरे मैं नहीं कर रहा ठीक है परंतु किसी भी हालत में आपको अपने मोटिवेशन को अपने आप को नीचे लेवल पर नहीं लेके जाना है एक बार मंजिल सोच ली तो रास्ते पे जितने भी परेशानियां आए वो सबको देखते हुए चलना जब आप लोग कार सीखते हैं स्कूटी सीखते हैं ठीक है तो क्या आप लोग इस तरीके से कार स्कूटी चलाते हैं कि जब टेढ़ा मेढ़ा रोड आएगा तो मैं कार या स्कूटी को साइड पे खड़ा कर दूं भाई अब तो मैं इस रोड पे नहीं चल सकता या चल सकती या मेरे को प्लेन रोड मिलेगी तभी मैं कार ड्राइव करूंगी या करूंगा ऐसा तो नहीं होता ना एक ड्राइवर एक्सपर्ट हमेशा वही माना जाता है जो ऊंचे नीचे पथराव किसी भी तरीके से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है सो so, आज हम लोगों का दिन है योगा दिवस आप सबको मैं उपासना की तरफ से एग्जामपुर परिवार की तरफ से सबको योगा दिवस की शुभकामनाएं ठीक है तो योगा शुड नॉट बी जस्ट एन एक्सरसाइज बट ए एक मीन टू तो कनेक्ट विद द वर्ल्ड ऐसा नहीं है आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है ऐसा नहीं है आपको स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल होने की जरूरत है ठीक है आप योगा से विश्व के साथ कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि इससे आपकी जो इंद्रियां हैं वो जागृत होती हैं आपका मस्तिष्क स्वस्थ होता है एक स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर ये इतना कुछ कर सकता है जो ब्रह्मांड में एक ऐसा व्यक्ति जो घर में सो रहा है कुछ नहीं कर रहा वो कुछ नहीं पाता है जागे हो तो सब कुछ कर लोगे सोए हो तो कुछ नहीं प्राप्त करोगे इट शुड बी ब्रिंग अ चेंज इन अवर लाइफ स्टाइल एंड क्रिएट अवेयरनेस विद इन अस ठीक है तो आप सबको योगा दिवस की शुभकामनाएं जो बालिकाएं जो बालिकाएं नहीं करती हैं ठीक है आ, या बालक नहीं करते योगा शुरू कर दो ठीक है योगा तो आपकी मैडम ने भी शुरू कर दिया है ठीक है मेरे को ज्यादा योगा नहीं आता <laughs> बट मैं कपाल भाती वगैरह कर लेती हूँ कोशिश करा था शीर्षासन वगैरह किया जाए ठीक है बट वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट स्टेप्स हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं तो आज हमारा दिन है आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बैरियर टू साइक्लोन स्टॉम बैरियर टू साइक्लोन स्टॉम उड़ीसा प्लान उड़ीसा ने ये प्लान किया है कि मैंग्रोव को कोस्टल एरिया पे लगाया जाए सीधा ये क्वेश्चन आपका जीएस थर्ड इन्वायरमेंट के सेक्शन में आएगा ठीक है या तो हो सकता है आपके प्रिलिम्स के सेक्शन में आ जाए मेंस में आ जाए या इंटरव्यू में आ जाए और आ चुका है जैसे ही टॉपिक समझाऊंगी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी मैं ठीक है बताइएगा इससे आप लोगों को और अच्छे से पता चलेगा दूसरा टॉपिक गाय होगा ई वेस्ट का 2014 का प्रिलिम्स के पेपर में आया है फिर 2021 के न्यूज पेपर में है तो फिर दोबारा से एग्जामिनर किसी और तरीके से ई वेस्ट पूछ सकता है क्योंकि अभी दो में जून में एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार राज्य सरकार को नोटिफाई कहा है कि जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है केंद्र सरकार के राज्य सरकार के क्या ई वेस्ट आप प्रॉपर वे से कर रहे हो ठीक है कर रहे हो तो साइंटिफिक तरीका होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस डिस्पोज किया क्योंकि उससे बहुत सारे लॉसेस होते हैं ये सब पर चर्चा आज चलेगी ठीक है एज इंडिया एस इंडिया गेट्स वैक्सीनेटेड विमेन आर फॉलोइंग बिहाइंड बहुत ही बढ़िया हो सकता है इस बार आपके एसे में ये टॉपिक आ जाए ठीक है कि इन कोरोना पेंडेमिक वु यू थिंक द जेंडर इन इक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट कोरोना पेंडेमिक में क्या आपको लगता है कि जेंडर इन इक्वालिटी फिर भी है तो ये जो एडिटोरियल है इस डायमेंशन पे भी आप लिख सकते हैं ठीक है आगे आगे आपको बताया जाएगा धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा ना आपका सोचने का डायमेंशन बढ़ेंगे फिर आपको ऐसे बताया जाएगा क्योंकि ऐसे से पहले आपका थोड़ा डायमेंशन ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए एक एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए तो फिर ऐसे बंदा बहुत बढ़िया लिखता है एक मल्टी डायमेंशन एस्पेक्ट में लिखता है वही यूपीएससी की डिमांड है जीएसटू महिला के सेक्शन में आएगा और ये वाला सेक्शन तो हमारा इंडियन सोसाइटी सोशियोलॉजी पेपर सेकंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो पेपर सेकंड पूरा करंट अफेयर पे है है अच्छा उसके बाद क्या सेंटर मस्ट टेक द वे फॉर स्टेट इन कोविड फाइट मतलब केंद्र को राज्यों से अब राज्यों से लड़ाई करने की बजाय पर आपको स्टेप लेना चाहिए ये हमारा जीएसटू हेल्थ के अंदर आएगा तीसरा कह रहा है हाउ योगा हेल्प बोथ माइंड एंड बॉडी स्टे हेल्थी कैसे योगा मन और मस्तिष्क दोनों को स्वास्थ्य बनाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे सो so, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं जो कि हमारा जीएस थर्ड का है ठीक है बैरियर टू साइक्लोन बैरियर टू साइक्लोन स्टॉम उड़ीसा प्लांट उड़ीसा स्टार्टेड टू प्लान अलोंग इट्स कोस्ट ठीक है बेटा एक चीज बताओ आप लोगों को इतना तो पता है ना कि जो भी टटिया एरिया होता है ठीक है टटिया एरिया ये मेरा प्यारा भारत हम्म मेरे प्यारे भारत का साउथ इंडिया का पार्ट है यहाँ पर क्या है बंगाल की खाड़ी है ध्यान से सुनना सुन लोगे समझ लोगे तो यही काम बन जाएगा और अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरत है बेटा ये बंगाल की खाड़ी है मानते हो ये आपका अरब सागर है ठीक है नीचे आपका इंडियन ओशियन है हम्म मैं आपको डिटेल ज्योग्राफी में नहीं लेके जा रही हूं मैं नॉर्मल नॉर्मल चीजें बता रही हूं अब बेटा यहां से जो भी जितनी भी नदियां जाती हैं सीधा यहां पर गिरती हैं सीधा यहां पे गिरती हैं ठीक है दूसरी चीज बंगाल की खाड़ी यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न की साइड पे पहाड़ भी है बंगाल की खाड़ी से हवाएं ये जो है इस एरिया पे जंगल भी है पहाड़ भी हैं तो आप ये समझ रहे हैं मोएस्ट एरिया भी है क्योंकि आपको पता सदाबहार वन जो है वो आपके इसी साइड पे है अरुणाचल प्रदेश वगैरह की साइड पे ही है ठीक है अब यहां से जैसे ये आ, ये आपका पूरा बे ऑफ बंगाल है ठीक है अब यहां से हवाएं वगैरह उठी ठीक है पहाड़ों से टकराएंगी पहाड़ों से टकराई और वायु पहाड़ों से टकराई तो सीधा बारिश का एरिया बनता है मतलब अगर कल को बाढ़ आएगी तो बाढ़ आएगी कहां इस एरिया में आएगी नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया हो गया ठीक है मयनश्वार आपको पता होगा मयनमार का एरिया है जहां पर मयनश्वार जो एरिया है यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है दूसरी चीज अगर मान लीजिए बे ऑफ बंगाल है साइक्लोन वगैरह उठ रहा है ठीक है साइक्लोन उठ रहा है तूफान उठ रहा है तो ये जितने भी कोस्टल एरिया आपको दिख रहे हैं ना बंगाल का एरिया हो गया उड़ीसा का एरिया हो गया आ, तेलंगाना का एरिया हो गया या तमिलनाडु का एरिया हो गया यही वाला एरिया सबसे ज्यादा डिजास्टर प्रोन है मानते हो कि नहीं मतलब इसी एरिया में सबसे ज्यादा डिजास्टर होगा हेल स्ट्रोम हो रहा है बिजली चमक रही है तूफान आ रहा है या फिर बाढ़ आ रही है या फिर इसके अलावा साइक्लोन आ रहा है या बारिश आ रही है या सूखा पड़ रहा है जो भी पड़ेगा वो इन्हीं एरिया में ही सबसे ज्यादा पड़ता है मानते हो कि नहीं ठीक है तो ये एरिया हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा डिजास्टर इशू वाला एरिया है बेटा साइक्लोन यास साइक्लोन यास तो अभी का ही है साइक्लोन यास कहाँ का है उड़ीसा मानते हो कि नहीं ठीक है अब आपके साइक्लोन यास आया 2020 में अम्फन आया ठीक है अभी ताउकताई आया अब ये इतने साइक्लोन आ रहे हैं तो यूपीएससी जीएस थर्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट में एनडीआरएफ की गाइडलाइन पूछेगी किसी वीडियो में मैं एनडीआरएफ की गाइडलाइन भी आपको बताऊंगी दूसरा अब के, राज्य सरकार क्या कर रही है आपको पता है कि आपका जो क्षेत्र है वो साइक्लोन वाला है अब आप क्या कर रहे हो तो उड़ीसा सरकार ने 2021 जून में ये निर्णय लिया है कि हमारा जैसे ये वाला ये उड़ीसा का एरिया है ये ये वाला बेटा क्या कहलाता है ये तटीय एरिया कहलाता है ठीक है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव को उगाना क्योंकि यहां पे मैंग्रोव उगेंगे तो जो भी बाढ़ आती है साइक्लोन आती है ये मैंग्रोव क्या करेंगे उसे रोक देंगे और इससे क्या होगा एक तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी हमारे साइक्लोन रुकेंगे इसी के साथ साथ यहां पर जो बिजली चमकती है वो सब मतलब इतना ज्यादा चीजों को रोक सकती है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अच्छी है और इसी के साथ साथ बहुत सारे फ्लोरा है फना है ऐसे वाइल्ड लाइफ एनिमल है उनका भी ये हैबिटेट हो सकता है हैबिटेट का मतलब क्या है रहने का स्थल हो सकता है जैसे क्रोकोडाइल हो गया जैसे किंग कोबरा हो गया जैसे ऑलिव रिटलेड टर्टल हो गया जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा आता है दो के फिलिम्स के पेपर में भी आया था ओलिव रिडले टर्टल विशेष प्रकार का कछुआ ठीक है अगर आप केरला में देखो केरला में डांसिंग फ्रॉग है ये 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसके ऊपर एडिटोरियल निकाला था डांसिंग फ्रॉग के ऊपर क्योंकि उसकी उस कछुए की आठ टांगे हैं तो साइंटिस्ट ने उसे बोल दिया ये डांसिंग फ्रॉग है क्योंकि उसकी दो टांगे जो है ऐसी ऐसी टक टक करके चलती हैं ठीक है तो अब आप इस चीज को समझ रहे हैं कि जो एरिया जहाँ पर बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छी होती है जिस एरिया में हॉटस्पॉट काफी अच्छा होता है तो सिंपल सी बात है उस एरिया में आपको विभिन्न प्रकार के बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा व फना मिलेगा ठीक है तो अब आपको ये समझ में आ रहा है उड़ीसा ये देखिए डाउन टू अर्थ का एडिटोरियल लिया हुआ है हमने ठीक है न्यूज में क्यों है क्योंकि उड़ीसा सरकार ने मैंग्रोव व कासुनास की प्लांटेशन के लिए पेशकश रखी है क्योंकि मैंग्रोव वगैरह अगर होगा तो ऑटोमेटिकली साइक्लोन कम होगा ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगेंगे साइक्लोन कम होगा ठीक है बाढ़ को रोकेगा लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा ठीक है हैबिटेट सेंटर होगा हैबिटेट किसका होगा जो वन्य जीव जंतु होते हैं पक्षी होते हैं वो लोग अपना घर बनाएंगे वहां पे बायोडाइवर्सिटी बढ़िया होगी ऑक्सीजन मिलेगा और इसी के साथ साथ आपका जो प्लेनेट है इकोसिस्टम है उसके साथ बैलेंस होगा क्योंकि हम इंसानों ने तो आपको पता है चाइना चाइना जानते हो ना बेटा चाइना चाइना ने तो भाई मगरमच्छ भी तल के खाता है चाइना आपको पता है ये बात हाँ चाइना सांप भी खाता है मगरमच्छ तल के खाता है कभी आप देखना मगरमच्छ की ऊपर की झिल्ली बिल्ली उठ हटाता है उसको आराम से उस पर चटनी वटनी लगाता है तलता है उसके ऊपर मिर्च मसाला लगाता है और फिर उसके बाद मगरमच्छ को खाया जाता है ये चाइना का डिश है नहीं पता तो कभी आप वीडियोस वगैरह देखिएगा तो भाई चाइना ने तो मगरमच्छ जैसे को नहीं छोड़ा सांपों को नहीं छोड़ा चीटियों तक को नहीं छोड़ा आप समझ रहे हैं हम लोगों ने कितना पर्यावरण का सत्यानाश किया है वो इंसान को अच्छे से पता है तो अब इसके लिए क्या किया जाए भाई उड़ीसा सरकार ने मैंग्रोव की बात करी है उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आती है अब सबसे ज्यादा जहां पर नेचुरल डिजास्टर होगा वही सरकार तो सबसे ज्यादा अपने आसपास के एरिया का करेगा अब हम लोग दिल्ली में है दिल्ली में क्या हो सकता है दिल्ली में अर्बन फ्लड आ सकती है शहरी फ्लड आ सकती है दिल्ली में डेंगू जैसी बीमारियां आ सकती है क्योंकि डेली कंजेशन में है ठीक है आप समझ रहे हो अब कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर रहता है हु? वहां पे क्या हो सकता है लैंडस्लाइड हो सकता है कोई व्यक्ति केरला में रहने वाला है वहां पे क्या हो सकता है वहां पर आपका साइक्लोन का इशू हो गया बाढ़ का इशू हो गया या फिर इसके अलावा अर्बन फ्लड टाइप हो गया ये सारी चीजें हो सकती हैं ठीक है बीमारियां हो सकती है क्योंकि वहां पे सदाबहार बना है अब कोई व्यक्ति उड़ीसा में रहता है तमिलनाडु में रहता है अरुणाचल प्रदेश में रहता है तो ये सारी आपदाएं आती हैं कौन कौन सी साइक्लोन फ्लड सूखा हेलस्ट्रोम, ये आते रहते हैं क्योंकि उड़ीसा का जो टेरिटोरियल कंडीशन है ये बहुत ही डिफरेंट है इस कारण से ठीक है तो साइक्लोन यास के साथ भी मैंग्रोव साइक्लोन का निरोध साबित हुआ कि ये मैंग्रोव जो है उगने चाहिए अब सबसे पहली चीज ये है हमारे प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है बेटा जो बच्चा नोट्स प्रॉपर बना रहे हो ना तो इसे आप एक डब्बे के अंदर डालना हम्म ये सारा सेक्शन आप एक डब्बे के अंदर डालना क्यों क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैंग्रोव कि उड़ीसा सरकार ने अब देखो न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या है उड़ीसा सरकार ने कहा है मैंग्रोव लगा रहे हैं जिससे तूफान वगैरह ना आए हम्म परंतु इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं मैंग्रोव क्या है क्या इंपॉर्टेंस है क्या सिग्निफिकेंस है उड़ीसा में कौन सा नेशनल पार्क है क्या उसकी विशेषताएं है आप समझ रहे हो ठीक है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये भीतर कनिका नेशनल पार्क भाई फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी क्या विशेषताएं है भीतर कनिका नेशनल पार्क की वो देख लेते हैं सबसे पहला फाइनेस्ट बायोडायवर्सिटी है बायोडायवर्सिटी बहुत बढ़िया है अब बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जहां पर पशु पक्षी हम इंसान एक साथ रहते हैं बैलेंस वे में उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी ठीक है फेमस किस लिए है है मैंग्रोव के लिए ऑलिव टर्टल इसी के बारे में मैंने बताया है ये न्यूज पेपर में भी आया है अच्छा पिछले साल के न्यूज पेपर में क्या आया कि सबसे ज्यादा जो पैदावार हुई है पांच हजार जो महिला कछुए हैं उन्होंने पांच हजार बच्चों को जन्म दिया है तो उड़ीसा में ओलिव टर्टल की टर्टल की बहुत ज्यादा मतलब जनसंख्या वृद्धि होने लगी 2020 में जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो ये न्यूज़पेपर में था और यही चीज हमारे जनवरी 2021 के न्यूज़पेपर में भी रहा कि उड़ीसा में ओलिव रिडले टर्टल के जो महिला कछुए हैं उन्होंने पांच हजार बच्चों को जन्म दिया मैंग्रो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पूरे विश्व में सिर्फ भारत की बात नहीं है पूरे वर्ल्ड में सत्तर परसेंट खारे पानी के मगरमच्छ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको कहाँ मिलेगा भीतर कनिका नेशनल पार्क में ये ध्यान रखिएगा ठीक है इसके अलावा भारतीय अजगर या किंग कोबरा ये सारे आपको भीतर कनिका में मिलेंगे अब भीतर कनिका को भी जानते हैं क्या है भीतर कनिका नाइनटी 1998 में ये नेशनल पार्क बना 2002 में रामसर कन्वेंशन साइट में आया ठीक है अब रामसर कन्वेंशन साइट क्या होती है कि भाई ये वाली साइट है इसको हम रामसर कन्वेंशन हुआ था समिट हुआ था वहां पर इस साइट को हेरिटेज दिया गया कि वही इस साइट में बायोडाइवर्सिटी अच्छी है तो यहाँ पर स्टैम्प लगा दो रामसर कन्वेंशन की ठीक है तो यहाँ पर भीतर कनिका उड़ीसा को 2002 में रामसर कन्वेंशन साइट का उपाधि दे दी गई कि ये इसमें है। ऐसा कहा जाता है देश के खारे पानी के मगरमच्छ 70% परसेंट भीतर कनिका के अंदर ही है सबसे ज्यादा मैंग्रोव सुंदरबन में है पेपर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा पूरी इंडिया में मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहाँ है कहा है? है। सुंदरबन में दूसरे नंबर पे कहा है उड़ीसा में भीतर कनिका में भी है अब ये सुंदरबन में तो आपको पता है अभी 2021 में वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ है जानते हो ममता दीदी जानते हो ममता दीदी ने कहा है पचास मिलियन पचास मिलियन मैंग्रोव के पेड़ पचास मिलियन मैंग्रोव के पेड़ सुंदर बन वेस्ट बंगाल में लगाए जाएंगे ठीक है तो बायोडायवर्सिटी क्या गजब बनेगी क्योंकि बंगाल का हाल वही उड़ीसा वाला ही है साइक्लोन आता है बाढ़ आती है इलीगल माइग्रेंट आते हैं तूफान आता है बारिश आती है सब होता है बंगाल में मानते हो कि नहीं मानते हो ठीक है अच्छा आगे देखते हैं ठीक है अंडमान निकोबार में भी है बेटा ये ध्यान रख लियेगा अब मैंग्रोव क्या है बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होगा मैडम जी ये मैंग्रोव क्या है मैंग्रोव एक तरह का अब ध्यान से सुनना मैं अभी आपको फोटो भी दिखाऊंगी इस फोटो को अपने दिल जहन में बसा लेना फिर प्रिलिम्स का क्वेश्चन बनाना ठीक है मैंग्रोव क्या है ये ऐसा छोटू सा पेड़ है जो कि सलाइन वाटर में या ब्रैकिश वाटर ब्रैकिश वाटर का मतलब बैक वाटर केरला में बैक वाटर है हम्म बैक वाटर जब भी आप घूमने जाएंगे तो केरला के जो तट है वहाँ पे प्लीज़ जहाँ पर ब्रैकिश वाटर है ना वहाँ पे आप ज़्यादा अंदर तक मत जाइए क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे तो बैक वाटर आएगा आपको लेके चला जाएगा सीधा इंसान डीप वाटर में कभी नहीं मिलेगा ऐसा हो चुका है तो इसीलिए कहीं पर भी घूमने जाओ उस एरिया की स्पेशलिटी को पहले समझ लो तो केरला में ब्रैकिश वाटर है उड़ीसा में भी ब्रैकिश वाटर है मैंग्रोव जो होते हैं ये सॉल्ट टॉलरेंट ट्री है मतलब ये ऐसे पेड़ है जो खारे पानी में भी लग सकते हैं खारा पानी या मीठा पानी जहां पे मिश्रण है वहां पे भी लग सकते हैं और खारे पानी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं इनकी जो जड़ाए होती है वो नीचे तक होती हैं तो ये जड़ाए क्या करती हैं पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे पेड़ को पानी पहुंचाती हैं हम्म मैंग्रोव जो होते हैं कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं तट पे पाए जाते हैं तट का पता है ना मतलब ये सूखा एरिया ये पानी वाला एरिया दोनों का जहाँ मिक्सचर होता है उसे कहते हैं तटीय एरिया जहाँ कोई नदी किसी सागर में बह जाती जाती है और जल में मीठा पानी और खारा पानी ये इम्पोर्टेंट है जल में जो मीठा पानी है और खारा पानी है इसका मिक्सचर होना चाहिए बेटा ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे ज़्यादा मछलियां सबसे ज्यादा मछली कहां जन्म लेती है जहां पर मीठा व खारा पानी मतलब आप कह सकते हैं एक तो मीठा व खारा पानी होता है व गरम गरम व ठंडा करंट ओशियन करंट होता है गरम व ठंडा समुद्री करंट होता है ये सब आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे बेटा ज्योग्राफी में भी आपको टीचर बताएगा वार्म करंट क्या होता है कोल्ड करंट क्या होता है ठीक है जहां पर गर्म पानी और ठंडा पानी समुद्र में मिलता है सबसे बेस्ट प्लेस है मछली पैदा होने का सबसे बेस्ट प्लेस है गर्म पानी ठंडा पानी जहां पर मीठा पानी खारा पानी जहां पर ये ट्रांजिशन होता है बेस्ट प्लेस है बायोडाइवर्सिटी का वहां पे जीव जंतु जन्म लेंगे ही लेंगे ठीक है तो मैंग्रोव का आपको ये माजरा समझ में आ गया ठीक है तो यह इकोसिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है यह प्राणी मछली प्रजाति को सुरक्षा प्रदान करता है अब उसके बाद है कि मैंग्रोव की इंपॉर्टेंस क्या है क्योंकि जब हम मेन्स लिखेंगे तो हमें पॉइंट्स भी पता होने चाहिए ठीक है इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो यह मछली के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि मैंग्रोव कहां होता है मीठा पानी मीठा पानी और खारा पानी में होता है और मछली कहाँ पे होती है जहाँ पे मीठा पानी हो खारा पानी हो या गर्म पानी या ठंडा पानी हो वो मछली के लिए सबसे बेस्ट बेस्ट प्लेस होता है ठीक है मैंग्रोव जो होता है मानसूनल टाइडल फ्लड को रोक देता है अब एक बात बताओ बेटा ये समुद्र है यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं ठीक है वहां से बड़ी सी मतलब एक तरह से तरंग आई लहर आई तो पेड़ सबसे पहले रोकेंगे ना एब्सॉर्ब करेंगे मतलब कहां वो कोस्टल एरिया अगर ये पेड़ नहीं होते सीधा पानी आता और पूरे पूरे जो है सबको बहाके ले जाता परंतु अब मैंग्रोव ढेर सारे लग गए घने पेड़ लग गए तो वो क्या करते हैं अपने आप से पहले रोक लेते हैं तो उसकी लहर की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है ठीक है अच्छा दे परसेंट द कोस्टल सोयल दे प्रोटेक्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट आएगा दे uh, होता है उसे रोकता है, ठीक है ना? क्यों रोकता है. है है? ठीक ना? क्यों क्योंकि इन दोनों का संगम होता है ये भी बेस्ट एरिया है ठीक है अच्छा प्रोटेक्ट फ्रॉम द सुनामी सुनामी हो गया फ्लड हो गया हरिकेन ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ इसके अलावा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं ठीक है उनका जन्म स्थल है ये जैसे मछली हो गई मगरमच्छ हो गए अभी आपको बताया भीतरकनिका भीतरकनिका में नेशनल पार्क में सत्तर परसेंट सॉल्ट वाटर के मगरमच्छ मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खारे पानी का मगरमच्छ भीतर कनिका में मिलेगा सबसे ज़्यादा ठीक है इंप्लॉयमेंट लोकल लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट होते बेटा यहां से न, सी में जाया हुआ है। है, तो डाउन टू अर्थ से भी लिया है दो जगह से मैंने इस एडिटोरियल को लिया है ठीक है मैंग्रोव की लाइफ देखिए ये आप हर्मिट क्रैब देख रहे हैं हर्मिट क्रैब ठीक है ये बायोडायवर्सिटी है विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजाति है किसी बच्चे ने कभी ये, ये वाला पक्षी देखा है स्पून बिल बताओ बताओ कभी स्पून बिल देखा है आप लोगों ने हम्म या फिर इसके अलावा आपने ये टाइडल मूवर नाम का पक्षी देखा है कभी येस और नॉट ओके यस 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 बिल्कुल गरिमा शुक्ला ठीक है तो ये बायोडाइवर्सिटी है ठीक है अच्छा ये मैंग्रोव है बेटा एक बार आ, आप देख लीजिए या स्क्रीन लेनी है स्क्रीन ले लीजिए बेटा इसे कहते हैं मैंग्रोव आप देखो बेटा ये पानी है तटीय एरिया है ये ये वाला यहाँ पे बड़े बड़े से जो घने घने से पेड़ लगे हैं इस तरीके से इस तरीके से इसकी जो जड़ाएँ हैं वो पानी के अंदर डीप होती हैं पानी को लेती हैं और जड़ाएँ पूरे पेड़ को पानी प्रोवाइड करती हैं ठीक है क्लियर है ओके 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 ये देख रहे हो आप लोग मैंग्रोव के पेड़ और yes नॉट बिल्कुल बिल्कुल hmm? <laughs> बच्चा कह रहा है किरण मैडम ये तो ट्री मैंने बहुत देखा है ये जो बहुत देखा है यही यूपीएससी का फेवरेट है ठीक है ये आया हुआ है क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन आया वो भी बता देते हैं पर हां ये नोट कर लेना 5 जून 2021 को ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल सुंदरबन में भविष्य में 50 मिलियन मैंग्रोव लगाने की घोषणा की है क्यों ताकि बहुत सारे बेनिफिट हो बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो लोगों को रोजगार मिले फ्लोरा फना अच्छा हो साइक्लोन रुक सके क्योंकि साइक्लोन यास भी आया था ताउकताई भी आया था अम्फन भी आया था और भविष्य में और भी साइक्लोन आ सकते हैं तो इसीलिए साइक्लोन वगैरह ना आए तो राज्य सरकार अपने लेवल पर इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है ठीक है मैंग्रोव तीन तरीके के होते हैं मान लो कल को प्रीलिम्स के पेपर में आ गया कि देयर आर रेड टाइप ऑफ मैंग्रोव व्हाइट टाइप ऑफ मैंग्रोव ब्लैक टाइप ऑफ मैंग्रोव तो आपने एटलीस्ट सुना होना चाहिए सुना होना चाहिए कि भाई ये मैंग्रोव है आपको ज्यादा डिटेल या मास्टरी या रिसर्च में नहीं जाना ठीक है तो कहा जाता है ना यूपीएससी इज अ एग्जाम फॉर द जनरल पीपल नॉट फॉर द मास्टर ट्रेड मास्टर ऑफ नन किसी में पीएचडी नहीं लेनी है परंतु यूपीएससी वाले बच्चे को पता सब होना चाहिए ठीक है तो बेटा ब्लैक मैंग्रोव होता है जिसका साइंटिफिक नेम ये है राजूफोरा मैंगल ब्लैक मैंग्रोव होता है एवीसेनिया ठीक है इसके अलावा व्हाइट मैंग्रोव होता है लेगुन कोलिया रेसिमोसा ठीक है प्रीलिम्स का क्वेश्चन सभी बच्चों के सामने स्क्रीन पे गुड मॉर्निंग मुकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग राहुल गुड मॉर्निंग पवन गुड मॉर्निंग आई एस नितेश सिंह बेटा प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ गया अब इस क्वेश्चन को बनाओ तीस सेकेंड का समय है सबके पास जल्दी हां जी बेटा जल्दी बनाइए इसे फास्ट मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैंग्रूव फॉरेस्ट इज ट्रू अब ये देखिए सबसे पहले ये आई एस फ्रिलियम दो हजार पंद्रह में आया है अगर इस टॉपिक को पढ़ा के आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं तो इसका मतलब मेरा पढ़ाना सफल हुआ मतलब आपको चीजें समझ में आ गई ठीक है मैंग्रूव के बारे में क्या सही है मैंग्रूव ग्रोज इन स्लाइंग कोस्टल खारे पर होता है बेटा प्रिया जी मैं हिंदी में बेटा बोल रही हूँ ऑफिसर बनने वाले हो हिंदी के साथ साथ थोड़ी अंग्रेजी भी आनी चाहिए मानते हो कि नहीं कल को मान लो आप आई ऑफिसर बन गए सामने बिजनेसमैन बैठा है ठीक है ये फ्लुएंट अंग्रेजी मार रहा है टेंडर उसे पास करवाना है और आप उस ऑफिसर उस को ये कहोगे कि मैं हिंदी माध्यम का हूं तो आप अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हो बेटा आप समझो आप आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे मैं कहती हूं आप लोग हिंदी में लिखो आप लोग हिंदी में बोलो पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अंग्रेजी को टच भी ना करूं वो नहीं होगा ठीक है कई बार ऐसा भी होता है हिंदी माध्यम के बच्चे से भी अंग्रेजी में पूछ लेते हैं ऑफिसर बन रहे हो भाई डिमांड है जॉब की ज़्यादा ना पता हो थोड़ा बहुत तो अपने में सुधार कर सकते हैं हम लोग थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी जान सकते हैं मैं हिंदी बता देती हूँ समझने की कोशिश करिए ठीक है हमारा बेटा हमारा बेटा हमेशा से पर्पस क्या रहा है हमें थोड़ा सा इम्प्रूव होना है तो समझते हैं पहले मैं दिखा देती हूँ हिंदी में बोल देती हूँ मैंग्रोव जो है वो खारे तट पर ग्रो होते हैं दूसरा सुंदरबन जो है सुंदरबन में सबसे ज्यादा विश्व में मैंग्रोव फॉरेस्ट है तीसरा कह रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये विभिन्न प्रकार के जीवन को सपोर्ट करते हैं मतलब अच्छी बायोडायवर्सिटी होती है चौथा अंडमान निकोबार में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये पहला एक ए कहता है सिर्फ पहला बी कहता है सिर्फ दूसरा सी कहता है ये चारों और डी कहता है सिर्फ चौथा बताइए बेटा क्या आंसर करेक्ट होगा हाँ मेहर जी आप हिंदी में आंसर राइटिंग करिए परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि मैं इंग्लिश को पढ़ भी नहीं सकती हूं बस मेरा कहने का मतलब इतना है ठीक है जल्दी बताइए सुरेंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार जल्दी बताइए Uh, बहुत से बच्चे सी जवाब दे रहे हैं प्रिया कुमारी यस 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 हाँ जी मंताषा बताइए बताइए सी काफ़ी बच्चे सी जवाब दे रहे हैं मंताशा सी कह रही है प्रिया सी कह रही है ठीक है और इसके अलावा अनिल कुमार सी कह रहे हैं अच्छा ठीक है अवंतिका जी आपके आंसर राइटिंग आज चेक करेंगे कुछ ठीक है हाँ अगर कोई इंग्लिश में पूछे तो आप उसका समझ के इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हो हिंदी में भी जवाब दे सकते हो बिल्कुल पर आप इंटरव्यूअर को ये थोड़ी ना कहोगे मैं तो हिंदी माध्यम का हूँ तो आप एक वर्ड भी अंग्रेजी मत बोलो आप ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो मेरा स्टूडेंट था असिस्टेंट कमांडर का इंटरव्यू दे रहा था 2015 में हिंदी माध्यम का था उससे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा था यूपीएससी के चेयरमैन ने ठीक है अब वो ये थोड़ी ना कहेगा कमांडर बन रहे हो आप और वो ये थोड़ी ना कहेगा कि सर आपने मैं हिंदी माध्यम हूं तो आपने इंग्लिश में कैसे बोल दिया बेटा आपको हिंदी पता होनी चाहिए हिंदी बोलो हिंदी लिखो पर इंग्लिश भी पता होनी चाहिए ये एटीट्यूड कभी मत रखना कि इंग्लिश का लाइन आ गया तो अब मेरा मेरे से अब कुछ नहीं हो पाएगा अब ये मेरी टेरिटरी का एरिया नहीं है आप ऑफिसर बन रहे हैं बिहेव लाइक एज एन ऑफिसर एटीट्यूड लाइक एन ऑफिसर ठीक है बेटा बहुत सारे बच्चों ने एसटी गेमिंग कह रहे हैं इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें क्लास के अंदर ही इंप्रूव करेंगे कोई अलग से इसका मंथन थोड़ी ना करना है ये अंग्रेजी में लिखा है ऐसे इंप्रूव होगी दो-तीन महीने में इंप्रूव हो जाएगी क्या दिक्कत है अरे हाँ यही क्लास में इंप्रूव हो जाएगी डोंट वरी ठीक है बच्चा कह रहे हैं बहुत सारे बच्चों ने सी जवाब दिया अब चेक कर लेते हैं क्या आंसर होगा मैंग्रोव सलाइन वाटर में होता है बिल्कुल सही बात है ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया सुंदरबन में सबसे ज्यादा है बिल्कुल सही बात है हमारी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पे मैंग्रोव है सुंदरवन फिर उसके बाद भीतर कनी का. भीतर कनिका कहाँ पे है बेटा उड़ीसा में है तीसरे नंबर पे कहाँ है अंडमान निकोबार में भी ठीक है अंडमान निकोबार में भी एक कोरल रीफ भी इंपॉर्टेंट है वो फिर कभी बताएंगे ठीक है मैंग्रोव में बहुत सी वेराइटी होती है तो बताइए ये आपको ओलिड रिडले ओलिव टर्टल ब्लैक अजगर मगरमच्छ ठीक है आ, इसके अलावा फ्लोरा फना और इसके अलावा किंग कोबरा ठीक है इसके अलावा मतलब बहुत से पक्षी भी रहते हैं तो यस इट सपोर्ट द लाइफ यस ये जीवन को सपोर्ट करता है इकोसिस्टम को बैलेंस करता है अंडमान निकोबार यस तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है यस ये डेली क्लास होती है बिल्कुल ये डेली क्लास होती है डेली क्लास का टाइम है धर्म कर्म बना लो कॉपियां साथ में रखा करो सात बजे से आपकी क्लास शुरू होती है ठीक है सात बजे अपना खाना पीना खा के चाय पी के आराम से एक शांत रूम में बैठ जाओ साथ में नोट बनाओ नोट आपके अपने हाथ के होने चाहिए कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं सब कवर कर दूंगी आपने देखा ये ये जो एडिटोरियल है दो जगह से कवर किया है डाउन टू अर्थ से और इंडियन एक्सप्रेस से तो टीचर जब अपने आप इतनी मेहनत कर रहा है मैं खुद दो तीन घंटे या चार घंटे दे रही हूं एनालिसिस में कि क्या पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप अदर सब्जेक्ट्स पढ़ो ना साथ साथ ठीक है ना चलिए जी तो भाई बहुत सारे बच्चों ने सी जवाब दिया है मुझे मतलब अच्छा लगा कि आपने चीजों को समझा और करेक्ट आंसर दिया है सीरियसली अगर मतलब आपको थोड़ा सा पुश किया जाए तो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो ठीक है हाँ जी चलिए यस वेरी गुड आगे बात करते हैं मेंस का क्वेश्चन ये मेंस का क्वेश्चन सभी बच्चों का बनना चाहिए होमवर्क है अब कुछ बच्चा नया होगा वो बच्चा कहेगा मैडम मेरे से तो आंसर राइटिंग होता ही नहीं है यस चलिए अब हम आंसर राइटिंग पे भी डिस्कशन कर लेते हैं हाथों हाथ डिस्कस पेपर में एग्जामिनर क्या चाहता है डिस्कस करना अगर पेपर में समालोचनात्मक लिखा होता क्रिटिकल एनालाइज लिखा होता तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव ओपिनियन दोनों बताती पर मेरे पेपर में क्या पूछा एग्जामिनर ने डिस्कस डिस्कस का मतलब क्या होता है चर्चा मतलब मुझे नॉर्मली ये चीज बतानी है कि ये चीज क्या है क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं क्या चैलेंज आ रहे हैं या चैलेंज को कैसे दूर करना है बस ये होता है डिस्कशन ठीक है अब आपको क्या चर्चा करनी है मैंग्रोव का सिग्निफिकेंस तो बेटा जब आप आंसर लिखेंगे हु? सबसे पहला होता है इंट्रो पार्ट अब आप शुरुआत कैसे करेंगे सब शुरुआत आप ऐसे करेंगे मैंग्रोव्स आर द हर्ट ऑफ इकोसिस्टम और हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी देखो मैंने अपने आप इसी समय ये स्टेटमेंट बनाया है ठीक है ये स्टेटमेंट किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है ये खुद की क्रिएटिविटी है यही एग्जामिनर चाहता है समझ रहे हो आप लोग ठीक है मैंग्रोव जो है हमारे पारिस्थितिक तंत्र का दिल है। मैंग्रोव क्या होता है यह आपको बताना है कि मैंग्रोव श्रब्स है जो कि सलाइन वाटर में होते हैं जहां पर खारा पानी मीठा पानी मिलता है वहां पर मैंग्रोव की उत्पत्ति होती है वहां पर जो भी अन्य वन्य प्रजाति है जैसे मछली व अन्य प्रजाति जैसे मगरमच्छ वगैरह उनकी उत्पत्ति भी बहुत ज़्यादा होती है और इंडिया के अंदर भीतर कनिका नेशनल पार्क है और वेस्ट बेंगल में सुंदर है ये सबसे ज़्यादा मैंग्रोव का क्षेत्र है भारत में सबसे ज़्यादा एरिया यहीं पे ही मैंग्रोव्स ने कवर किया है मैंग्रोव्स होने से अब उसके बाद फिर हेडिंग बॉडी पार्ट पर आ जाओ ठीक है बॉडी पार्ट क्या है अब एक ना आप डायग्राम बना सकते हो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम कैसे बना सकते हो ये देख लो आप देखो डायग्राम कैसे बना सकते हो अब आंसर राइटिंग में एग्जामिनर को बताने के लिए जैसे आपने यहाँ पे तटीय एरिया बना दिया ये तटीय एरिया बना दिया यहाँ पे पेड़ लगा दिए ऐसे यही मैंने आपको मैंग्रोव की शक्ल दिखाई थी ना ऐसे और यहाँ पे लिख दिया मैंग्रोव ठीक है भीतर कनिका नेशनल पार्क बस यहाँ पे छोटू सा डायग्राम हो गया बॉडी पार्ट में हेडिंग में लिखो सिग्निफिकेंस मैंग्रोव की महत्वता पहला मैंग्रोव जो है मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत बढ़िया है दूसरा ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तीसरा लोकल लोगों को रोजगार मिलता है चौथा साइक्लोन सुनामी बाढ़ वगैरह को रोकने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है तीसरा यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं जैसे भीतर कनिका नेशनल पार्क में अजगर किंग कोबरा, सोल्ट क्रोकोडाइल या ओलिव रिडले टर्टल ठीक है ये ये जो है पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस तरीके से पांच छह पॉइंट्स आपने लिख दिए और फिर उसके बाद अंत में क्या लिखो अहेड uh, uh, सरकार क्या काम कर रही है तो इसमें ये लिखो 2021 में वेस्ट बंगाल ने घोषणा करी है सुंदर बन में 50 मिलियन मैंग्रोव ट्री लगाए जाएंगे जिससे जैसे साइक्लोन या साया उससे बहुत विनाश हुआ ऐसे साइक्लोन हरिकेन से बचाया जा सके व इसी के साथ साथ जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो लोगों के लिए सरकार इसी तरीके से आगे कार्य करती रहेगी तो लोगों का भी सरकार के लिए ट्रस्ट बना रहेगा व देश की संरचना के लिए जनता और सरकार दोनों का योगदान अहम है हो गया क्या लगा दो सेकंड लगे नहीं होंगे हमने डेढ़ सौ वर्ड्स का बना दिया हो गया काम लगा मुश्किल आंसर राइटिंग लगा किसी बच्चे को मुश्किल बताओ बताओ कोई बात नहीं सीबीआई एटीट्यूड <laughs> बताओ येस और नॉट लगा मुश्किल है ना आसान हो गया आंसर राइटिंग अभी इस आंसर राइटिंग के लिए हम इतना सोचते हैं इतना सर में दर्द करते हैं क्या लिखना है अरे भाई कोई सी भी आंसर राइटिंग करो पहले टॉपिक को अच्छे से समझ लो और मैं हर टॉपिक के बाद आंसर राइटिंग देती हूँ और प्रीलिम्स का क्वेश्चन देती हूँ जिससे आपको ये पता चले कि हाँ ये प्रीलिम्स है ये मेन्स इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड अवंतिका वेरी गुड ग्रेट गुड 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 हाँ जी बेटा आप कैसा भी है देखो आपको जो अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देनी है ना मैं बता देती हूँ हम लोग धीरे धीरे ही तो ऊपर की तरफ अपना लेवल बढ़ाएंगे ना आपको अब थोड़ा बहुत लिखना आ गया है अब आपको थोड़ा बेस्ट की तरफ जाना है तो पॉइंट्स में आंसर लिखो कीवर्ड्स में आंसर लिखो ठीक है ऐसा कभी आंसर मत लिखना कि यहां से पैराग्राफ शुरू हुआ और पैराग्राफ खत्म ही नहीं हो रहा है पैराग्राफ 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 चलता रहा सबसे बेकार आंसर राइटिंग होती है वो एग्जामिनर मतलब दिल खराब करके अपना दो तीन नंबर में निपटा देता है और वो भी एग्जामिनर की इच्छा शक्ति है कि हाँ इसको देना भी चाहिए कि नहीं नहीं तो एग्जामिनर तो ये कह देगा अरे ये आई ऑफिसर बन रहा है इस तरीके से लिखेगा दोबारा मेन्स दे दुबारा से पढ़ अगली बार आइयो समझ रहे हो आप लोग तो आपको बेस्ट की तरफ जाना है क्या क्या कैसे आंसर राइटिंग करनी है एक तो सबसे पहले पॉइंट्स पॉइंट्स में आंसर दो माइंड मैप बना लो जैसे मैंग्रोव के ऊपर बना लिया मैंग्रोव क्या है कहाँ सबसे ज्यादा होता है ठीक है सुंदरबन में होता है तो क्या मैंग्रोव की विशेषताएं है क्या सिग्निफिकेंस है क्या चुनौतियां हैं सरकार क्या काम कर रही है बस अब मैंने इस तरीके से पढ़ लिया ना मेरे को सारी चीजें पता चल गई समझ रहे हो आप लोग तो पॉइंट्स में आंसर दो दूसरा डायग्राम बना लो अगर किसी का डायग्राम बनता है तो बहुत अच्छी बात है अगर डायग्राम नहीं बनता तो उसमें अब आप क्या कर सकते हो नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा ठीक है अरे भाई हम लोगों ने तो हिस्ट्री तक में डायग्राम बनाया है पेपर के अंदर तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो एक बच्चा बोल रहा है मैडम आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो काहे उस नोटिफिकेशन और घंटे का इंतजार करते हो मैडम डेली सात बजे उपस्थित होगी आप अपना किताबे विताबें उठा के अपने मोबाइल या लैपटॉप के आगे बैठ जाओ आपकी क्लास सात बजे एग्जैक्ट टाइम पे शुरू कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने सात पांच भी लगाए हैं एग्जैक्ट सात बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है कोई टाइम वेस्ट नहीं ठीक है चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं बेटा। मोस्ट आतेटेंट आज के टॉपिक गदर है वैसे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज न्यूज़पेपर में भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए थे मतलब मेरे को आज ये सोचना पड़ा पांच आर्टिकल में से मैं कौन सा आर्टिकल चूज करूं अभी मैंने एक आर्टिकल स्किप किया वो मैं कल की क्लास में बताऊंगी वो भी इम्पोर्टेंट है पर वो मैंने कल के लिए रख लिया क्योंकि मुझे पता है कि इतना टाइम में हो नहीं पाएगा ज्यादा से ज्यादा पांच टॉपिक डिस्कस हो पाते हैं ठीक है हाँ जी बेटा पीडीएफ डी कहाँ मिलेगी डेली पीडीएफ मिलती है प्रत्येक बच्चे को मिलती है आप एप्लीकेशन पे जाओ बेटा हम्म एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आप लोग फिर उसके बाद आप लोग माई <coughs> सब्जेक्ट में जाओ आपका यूपीएससी पीसीएस ये वाला सब्जेक्ट है यहाँ पे फिर आप जाओ डीएनए में जाओ डीएनए में आपको पीडीएफ साथ में मिल जाएगी ठीक है इसके साथ साथ बेटा आपको टेलीग्राम में भी मिल सकती है और प्लीज बच्चा लोग आपकी क्लास में जो भी नया स्टूडेंट है आप लोग इस लिंक को और शेयर करते हुए चलिए जिससे और भी बच्चों को इन uh, इस चीज के बारे में पता चले और किसी बच्चे को अगर लगता है उसके पास संसाधन नहीं है तो उसको एक डायरेक्शन मिल सके क्योंकि पढ़ाई मुश्किल नहीं है डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज गैस इसको शेयर करते हुए भी चलिएगा जिससे भारत में मैक्सिमम लोगों को भी फायदा हो ई वेस्ट पे बात करते हैं चलिए ई वेस्ट पे बात करते हैं बेटा फुल फॉर्म देख लो ई कचरा ई कचरा बोला जाता है यस 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 हाँ जी हाँ जी हां जी कौन सा नया बालक थोड़ा सा परेशान है अरे <laughs> हाँ जी बेटा बेटा आपको एक तो सबसे पहली चीज ये है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप नए स्टूडेंट भी हो तो भी आपको ये तो पढ़ना ही है आप डेली बेस पे पढ़ो अगर आपको उसके अलावा जो भी जानकारी चाहिए ऑफलाइन कमेंट में बच्चा बता दीजिएगा जो जो आपकी आपको लगेगा कि भाई हमें ये नहीं पता है हम फर्स्ट स्टेप कैसे करें क्या क्या करें तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगी कि ऐसे ऐसे स्टेप पे चलना है आपको ठीक है न्यू स्टूडेंट हो तो भी कोई बात नहीं आप ऑफलाइन कमेंट में बता देना ऑनलाइन में हम इतना जवाब नहीं दे पाते हैं चलिए दूसरा बात करते हैं ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है ये देख रहे हो देख रहे हो आप लोग ये कैलकुलेटर रखा हुआ है मोबाइल फोन रखा हुआ है पीसी रखा हुआ है कीबोर्ड रखा हुआ है भाई मान लो मेरा मोबाइल फोन खराब हुआ सीधा कचरे के अंदर समझ रहे हो ठीक है यहां कीबोर्ड खराब हुआ सीधा कचरे के अंदर ऐसा नहीं चलना चाहिए ठीक है तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अब एक चीज बताओ बेटा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मैं बात करती हूं कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर क्या होता है सिलिकॉन होता है इतना पता है आपको येस और नॉट जर्मेनियम होता है ठीक है आर्सेनिक होता है यहां से यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है यहां से 2015 में भी क्वेश्चन आया है 2019 में भी आया एक क्वेश्चन फिक्स है ठीक है अच्छा इसके अलावा कैडमियम होता है हम्म, ये ये चीजें होती हैं, यस और नॉट पीवीसी भी होता है अब ध्यान से सुनिएगा सिलिकॉन होता है अगर आप इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कचरे में डालेंगे सिलिकॉन से हमारे जो आ, किसी तरीके से पानी में बहेगा मिट्टी के अंदर रहेगा किसी तरीके से उसको कोई गाय मतलब कोई भी पशु पक्षी खाएगा उसके अंदर भी कैंसर वगैरह का इशू होगा मानव तक जाएगा मान लो हमारे खाने के अंदर सिलिकॉन चला जाए तो सिलिकोसिस हो जाता है सिलिकोसिस सीधा सीधा लंग कैंसर है ध्यान रखिएगा जर्मेनियम आर्सेनिक ठीक है आर्सेनिक और इसके अलावा कैडमियम ये सारे के सारे कैंसर का कैंसर क्या है कैंसर कोई आपको वायरस बैक्टीरिया फंगस इससे थोड़ी ना होता है कैंसर क्या है एक अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ जीन मतलब जो जीन है जो केमिकल है वो बढ़ता चला जा रहा है सेल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है सॉरी अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से वृद्धि होना उसे कहते हैं कैंसर तो न्यूज में क्यों है न्यूज में क्यों है न्यूज में इसलिए है क्योंकि एनजीटी ने हाल फिलहाल में आदेश दिया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं उनको साइंटिफिक तरीके से आप निपटारा करेंगे आपने देखा होगा बेटा कई बार आप घूमने भी जाते हैं तो एक रेड कलर का डस्टबिन होता है एक ब्लू कलर का डस्टबिन होता है लिखा होता है कि कोई गीला पदार्थ है तो यहां डालो सूखा पदार्थ है तो यहां डालो प्लास्टिक है तो यहां डालो लिखा होता है इसी तरीके से कचरे का डब्बा बना हुआ है जहां पर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही डालेंगे क्योंकि आप अगर उसी जगह पर डालेंगे तो वो सारा कचरा डिस्पोजल केंद्र को एक साथ ही मिलेगा फिर उसको रिसाइकल कर सकते हैं तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ और इससे क्या होगा पर्यावरण बचेगा पारिस्थितिक तंत्र बचेगा मानव को भी हेल्थ सही रहेगी पशु पक्षियों की भी हेल्थ सही रहेगी ठीक है मैं एक एग्जाम्पल देती हूं जो यूपीएससी ने सी के पैसेज में, में थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपको तरीके समझ में आ जाएंगे कि अच्छा इतना इश्यू होता है इसलिए सरकार इसके लिए कंसर्न है ठीक है ये आपको मैं बता देती हूँ हुआ क्या ये आपके पेड़ पौधे हैं ठीक है अब यहाँ पर एक पेस्टिसाइड डाला जाता था यहाँ पर पेस्टिसाइड डाला जाता था ठीक है अब उस पेस्टिसाइड के डलने से क्या है कि भाई एक तो वो मिट्टी के अंदर जा रहा है दूसरा बारिश हो रही है तो फिर ये समुद्र में भी जा रहा है ठीक है बारिश हो रही है तो समुद्र में भी जा रहा है और ये पेस्टिसाइड कौन सा है ये पेस्टिसाइड का नाम है डाइक्लोफिनेक ये पेस्टिसाइड है डाइक्लोफिनेक ये ध्यान रखिएगा यूपीएससी ने सी सेट के पैसेज में पूछा था डाइक्लोफिनेक पेस्टिसाइड है कीटनाशक है जो कृषि में पौधों के ऊपर डाला जाता है जिससे पौधों में कीड़ा ना पड़े तो अब ये जब डाइक्लोफेनेक डाला गया तो मिट्टी के अंदर गया बारिश हुई समुद्र के पानी के अंदर गया अब जब ये समुद्र के पानी के अंदर भी गया तो इससे क्या हुआ यहाँ पे मछलियों ने खाया मछलियां मरने लगी यहाँ पे मान लो खरगोश ने खाया खरगोश को आगे शेर ने खाया शेर मरा शेर को आगे उड़ती हुई चील ने खाया चील गिद्ध 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 तो मरा हुआ ही खाता है ठीक है गिद्ध ने खाया गिद्ध के अंदर डाइक्लोफी गया और गिद्द को होने लग गया गिद को होने लग गया किडनी कैंसर गिद को होने लग गया किडनी कैंसर और इससे क्या है गिद जो है वो मरने लग गया अब 2013 में सरकार इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि ये गिद मर क्यों रही हैं? रिसर्च किया तो तब जाके मरे हुए गिद्धों की किडनी में निकला कैंसर और उस कैंसर का रीजन था ये कीटनाशक डाइक्लोफीनक इसीलिए सरकार ने 2013 में कहा डाइक्लोफिनेक को कर दो बैन परंतु वहीं पर दूसरी तर, तरीके से फायदेमंद भी है क्योंकि अगर कोई गाय कोई भैंस बीमार हो जाती है तो उस गाय भैंस को बीमार गाय भैंस को इंजेक्शन दिया जाता है वो इंजेक्शन होता है किसका डाइक्लोफिनेक का तो सरकार एक तरफ से बंद डाइक्लोफिने जो कि की कीटनाशक का भी काम कर रहा है और दूसरी तरफ बीमार गाय भैंसों के हेल्थ का भी काम कर रहा है तो क्या करे सरकार तो बैन भी किया गया और दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि इसको कीटनाशक की तरह प्रयोग मत करो तो ये आपके 2013 के पेपर में आया था न्यूज पेपर से चीजें उठा के आपके पेपर में चीजें आती है इस बार का भी आप प्रिलिम्स का पेपर देख लेना पूरा का पूरा मेजर कंसर्न पे ही होगा ठीक है तो देखते हैं तो यहाँ पे ये बोला है कि जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इनकी जिम्मेदारी है ठीक है इनकी जिम्मेदारी है क्या है ई वेस्ट अब ये देख लेते हैं ई वेस्ट एक तरह का यस 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 ठीक है ई वेस्ट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो पुराने जो कंपोनेंट खराब हो गए हैं जिनकी लाइफ खत्म हो गई है उनको डिस्पोज करना सही तरीके से ठीक है उस वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं कीबोर्ड खराब हुआ मोबाइल खराब हुआ पेन खराब हुआ ये आ, आपका सिलिकन आर्सेनिक ये चीजें खराब हुई तो इसका डिस्पोजल इसमें स्पेयर पार्ट्स आता है कीबोर्ड आता है मॉनिटर आता है कंपोनेंट ट्रांजिस्टर डायोड ये सारी चीजें आती हैं ई वेस्ट के अंदर आईटी की भी चीजें आती हैं और दूसरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल चीजें भी आती है जैसे केबल वगैरह हो गया केबल भी तो पीवीसी से बनी होती है तो ई e वेस्ट के लिए कानून बना ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट देख लेना आप लोगों के 2021 के प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आने के चांस है या फिर आपके मेन्स के पेपर में पूछने के चांस है क्योंकि एनजीटी ने ये दोनों ही सरकारों को घोषणा कर दी है कि भाई आपको इस अधिनियम के अंतर्गत ही कार्य करना है तो ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है सबसे पहला मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पहले तो आपको मंत्रालय अच्छे से पता होना चाहिए अब इसमें शेड्यूल्स बने हुए हैं शेड्यूल फर्स्ट के अंदर क्या आता है कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है इसका तो प्रॉपर वे से डिस्पोजल होना ही चाहिए ठीक है जैसे सी एफ एल हो गया आपको पता है ना 2015 में सरकार ने सी एफ एल की जगह पर एलईडी बल्ब लगाने की बात की थी ठीक है फनी फनी बच्चा एक पूछ रहा है मैडम ये आपकी पहली क्लास है बेटा ये मेरी बीसवीं क्लास है आप प्लेलिस्ट पे स्ट जून से लेके सारा डीएनए अपनी कॉपी में बनाइए क्योंकि पूरे डेढ़ साल का न्यूज़पेपर कवर होगा 10 अक्टूबर प्रीलिम्स के लिए प्लस में डेली बेसिस का भी न्यूज और एडिटोरियल कवर होगा ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको पढ़ने के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करूं इसको पढ़ने के बाद आपको द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस डाउन टू अर्थ मिंट वगैरह ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी पीआईबी राज्यसभा टीवी वो भी मैं इसी एडिटोरियल में लेती हूं तो अप्रॉक्सीमेटली डेली मैं चार या पांच टॉपिक को डिस्कस करती हूँ तो ऐसा अगर हम पूरे महीने भी करते हैं तो देख लो तीस दिन होते हैं आपके डेढ़ टॉपिक हो गए तो एक महीने में अगर आपका डेढ़ टॉपिक पे कमांड बन रहा है तो एक साल पढ़ना है भाई एक साल में कितने टॉपिक हो जाएंगे समझ रहे हो आप लोग तो बस जब आपका इतना समझ बन जाएगा सब्जेक्ट आपके हाथ में टॉपिक्स आपके हाथ में फिर आप लिख भी सकते हो अच्छे से ठीक है ना चलिए किसी दिन हम ऐसा करेंगे कोई सा मेंस का पेपर ना डिस्कशन कर लेंगे एक बार मेंस का पेपर भी डिस्कस कर लेंगे एक बार प्रीलिम्स का पेपर भी डिस्कस कर लेंगे पहले हमारा थोड़ा सा हर हर शनिवार डीएनए का टेस्ट होगा ये प्रत्येक बच्चा सुन लीजिए हर शनिवार डीएनए का टेस्ट है जी बेटा जी सागर दुबे जी बिल्कुल 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 पूरा यूपीएससी लेवल का का मेंस दोनों ही बता रही हूं ताकि मेरा जो 2022-23, 24 का बच्चा है उसका भी फायदा हो जो बच्चा 2021 का है उसका भी फायदा हो ठीक है चलिए हां जी ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट दो में बना था सबसे पहले मिनिस्ट्री पता चल गई मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज शेड्यूल फर्स्ट के अंदर सी एफ एल और मरकरी को मना कर दिया क्योंकि मरकरी से क्या होता है आपको सीधा मरकरी से ब्रेन हैमरेज का इशू होता है ब्रेन कैंसर का होता है ट्यूमर का इशू शुरू हो जाता है तो मरकरी बहुत ही खतरनाक है और आपको ये पता होना चाहिए अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपके पर्यावरण में रहता है तो मरकरी एक लाख साल आपके पर्यावरण में रहती है ये प्रदूषण एक लाख साल रहता है जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आ, कार्बन डाइऑक्साइड पचास हजार साल पर्यावरण में रहता है आप समझ रहे हैं बेटा ठीक है चलिए इसी इसीलिए ये जिम्मेदारी सेट कर दी है प्रोड्यूसर की जिनको जो कि ये बनाते हैं सी और मिथेन Uh, वगैरा बल्लब वगैरा बनाते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी दे दी है और इसी के अंदर डिपॉजिट रिफंड स्कीम भी है राज्य सरकार ने भी सुरक्षा स्वास्थ्य को शामिल किया है ठीक है तीसरे टॉपिक पे आते हैं अच्छा दूसरे टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है आपका प्रीलिम्स में भी आ सकता है आपका शनिवार को डी का टेस्ट है हर बच्चा अच्छे से पढ़ ले ठीक है हाँ जी हाँ जी सितेश कुमार जी जुलाई से आपका फाउंडेशन बैच शुरू है फाउंडेशन बैच जो चलेगा वो तो चलेगा ही चलेगा डीएनए आपको अपना रेगुलर बेस पे करना है तो धर्म बना लो आप लोग अपना ये तो रेगुलर बेस पे चलना ही है ठीक है डन चलिए आगे बात करते हैं तो मेंस का क्वेश्चन आपका आ सकता है ई e वेस्ट से संबंधित भारत सरकार कैसे निपटारा कर रही है व भारत सरकार ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं इसकी विवेचना करो इसकी विवेचना करो ऐसा क्वेश्चन आपके मेंस में आ गया तो आप कैसे करेंगे आप ई e वेस्ट बताएंगे ई e वेस्ट के बारे में क्या सरकार ने नियम बनाया है मैनेजमेंट एक्ट बताएंगे फिर उसके बाद बॉडी पार्ट में आप लिखेंगे सरकार के पास क्या चैलेंज आ रहे हैं सरकार, सरकार के पास चैलेंज ये कि अवेयरनेस करनी है ई वेस्ट के बारे में साइंटिफिक वे से निपटारा होना चाहिए जिससे प्रॉपर वे से कंपोनेंट डिसमेंटल हो सके व रीसाइकल हो सके डिसमेंटल और होगा, तभी पर्यावरण सेफ रहेगा, सही बात की नहीं ठीक है तीसरा टॉपिक देखते हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक है तीसरा टॉपिक ठीक है एस इंडिया गेट्स वैक्सीनेटेड विमेन्स आर फॉलोइंग बिहाइंड माइंड दिस गैप हमें इस गैप को समझना चाहिए बेटा ये इंडियन एक्सप्रेस का लिया हुआ है इस एडिटोरियल में मोटी बात क्या कह रहा है वो मैं आपको की में बता रही हूँ फिर एडिटोरियल हम लोग देख लेंगे सबसे पहली बात कह रहा है कोरोना की फर्स्ट वेव आई तो करोना की फर्स्ट वेव में टीकाकरण वगैरह नहीं था उस समय पे महिला पुरुष कुछ नहीं था लॉकडाउन रखा गया और लॉकडाउन शायद उस समय पे सही निर्णय था क्योंकि हमारा जो भारत है ये स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही कम बजट रखता है पता ही है आपको ठीक है तो जैसे हमारा स्वास्थ्य के ऊपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कम बजट है तो अब हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है 2021 में दो महीने के अंदर इसने भारत को अच्छे से रुला दिया है तो अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके से अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है उन सबको तो तो इस एडिटोरियल के अंदर मेन पॉइंट क्या है वो मैं बता रही हूं सरकार के आगे चुनौतियां आ रही है सबसे पहली चुनौती आ रही है एक तो सर्वे हुआ सर्वे में निकल कर आया कि अगर 100 पुरुष वैक्सीन लगा रहे हैं तो 90 महिलाएं उनके पीछे हैं। मतलब महिलाएं जो हैं, वो पुरुषों से पीछे हैं। पुरुष ज्यादा वैक्सीन लगवा रहे हैं महिलाएं कम लगवा रही हैं क्योंकि एक तरफ तो परिवार का फैमिली का सोच ये है कि पुरुष को तो वैक्सीन लगना ही चाहिए क्योंकि कुछ गांव के और दूर दराज के क्षेत्रों पूरे भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये माना जाता है पुरुष ही करता धरता हरता है तो घर का जो मुखिया होता है उसे तो पहले वैक्सीन लगनी चाहिए महिला का तो काम चल जाएगा दूसरी चीज ये है कि एक तो ये डिजिटल काम हो गया है डिजिटल काम होने से क्या है कि आ, अब हर व्यक्ति के पास तो मोबाइल फोन नहीं है हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन नहीं है गांव के कितने एरिया ऐसे हैं जहां पे महिलाओं को मोबाइल चलाना नहीं आता है समझ रहे हो आप लोग ठीक है मोबाइल नहीं है डिजिटली प्रॉब्लम है इंटरनेट का इशू है और उसी के साथ साथ महिला पढ़ी लिखी नहीं है और तीसरा जो इनकी एप्लीकेशन है वो भी अंग्रेजी में रजिस्ट्रेशन है ठीक है तो ये आपका विमेन इतना पढ़ी लिखी नहीं है रजिस्ट्रेशन इशू है और इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया गया है तो ये सारी की सारी चुनौतियां हैं जो भारत सरकार के सामने आ रही है और इसी कारण से हमारे देश में प्रत्येक सौ पुरुष के पीछे सिर्फ नब्बे महिलाएं हैं जो वैक्सीन लगा रही हैं तो भारत सरकार कहती है सीडा इंस्टीट्यूट है ठीक है सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट असेसमेंट का इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट ये बताता है कि भाई जो महिलाएं हैं आज 2021 में वैश्वीकरण के समय पर भी महिलाओं की संख्या वैक्सीन लगाने में उनकी जेंडर इनइालिटी आज भी चल रही है आज भी महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा रही है और उनका रीजन सरकार ने ये बोला है ठीक है अब देखते हैं हमारे एडिटोरियल में क्या क्या बोला है हुँ? देखो संरचनात्मक असमानता है आ गई ना बात यहीं पे, ठीक है क्या बोल रहा है संरचनात्मक असमानता है अब देखो ऐसे कीवर्ड पकड़ना आप समझ रहे हो सबसे पहला स्ट्रक्चरल इशू कल को आपके मेंस के पेपर में आया कि महिला जैसे कोरोना पेंडेमिक हुआ तो उसमें ये पाया गया कि लैंगिक असमानताएं हैं महिलाएं पुरुषों से कहीं ना कहीं पीछे रही हैं चाहे टीकाकरण है चाहे प्रवास है चाहे कुछ भी है तो आप इसके बारे में विवेचना करो आपसे मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो पहले आप बताएंगे ये बात बिल्कुल सही है की महिलाओं और पुरुषों की असमानता आज भी देखने को मिलती है 2021 में के पीछे महिलाएं हैं वैक्सीन लगवाई है। ठीक है? और इसी के साथ साथ इसका मुख्य कारण है आप ऐसे लिखेंगे इसके मुख्य कारण है पहला संरचनात्मक असमानता मतलब इस एडिटोरियल से मुझे एक लाइन पता चल गई क्या संरचनात्मक असमानता दूसरा महिला का कम पढ़ा लिखा होना तीसरा पुरुष मुखिया होता है तो पुरुष को ही वैक्सीन लगना चाहिए इससे सबसे ज्यादा जोर दिया गया चौथा यह है कि आ, इसी के साथ साथ डिजिटल इंडिया हो गया क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र जहां पर मोबाइल नहीं है जहां पर इंटरनेट नहीं है पांचवा रजिस्ट्रेशन जो है वो इंग्लिश में हो रहा है छठा यह है महिलाएं महिलाएं जो है अपनी भूमिका अपने आप पीछे कर लेती हैं क्योंकि इतनी सारी चीजों के बारे में महिलाएं अभी तक जागरूक नहीं हुई है हाँ शहरों की महिलाएं लगा रही परंतु गांव की महिलाएं आज भी अपनी इस वैक्सीन लगाने की जो नंबरिंग है उसमें आपको असमानताएं दिख जाएंगी ठीक है अब ये देखो ये सारी बातें आपको बता दी हैं भारत सरकार को क्या करना चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए देखो ये बोला है ना और ये डायरेक्टर ने एडिटोरियल लिखा है जो एडिटोरियल डायरेक्टर लिखता है सीनियर आई ऑफिसर लिखता है या फॉरेन मिनिस्टर वगैरह का हो गया वो एडिटोरियल सच में गजब का होता है रियल इशू के बारे में बताता है ये चीज आपके सोशोलॉजी के सेकंड पेपर में भी काम आ जाएगी ठीक है अच्छा ये डायरेक्टर कौन से थे सेंटर सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस सीडा के डायरेक्टर हैं अशोका यूनिवर्सिटी के उन्होंने ये बात बोली है ठीक है उन्होंने ये बात बोली है कि महिलाओं की रेशो कम है देखो यही कहा है ना नब्बे महिलाएं हैं हर सौ पुरुष के पीछे मतलब सौ पुरुषों के पीछे सिर्फ नब्बे महिलाओं को ही टीका लग रहा है ठीक है अच्छा इसके अलावा रीजन यहां पे लिखा हुआ है रीजन यहां पे है ये देखो क्योंकि हमारे देश में स्मार्टफोन कम है क्योंकि डिजिटली डिवाइड है क्योंकि आप ऐप एप बेस एप्लीकेशन है इससे क्या है कि लोग मिस्टीरियस हो जाते हैं लोगों को ये लगता है कि अरे अब हमें कैसे करना है कैसे रजिस्ट्रेशन करें तो आधे से ज्यादा लोग तो इसी कारण से डरने लगते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो ये अपने आप में लोगों का डर बन जाता है और डर बनने से क्या है कि चीजें अपने आप कम होने लगती हैं ठीक है पहले आप लोगों को भी लगता होगा हाई यूपीएससी यूपीएससी आई की तैयारी पता नहीं क्या है कितना बड़ा बवाल है अब धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे आपका डर खत्म होता रहेगा फिर आपको समझ में आएगा अरे यूपीएससी तो बहुत आसान है यूपीएससी में तो सब चीजें पता होनी चाहिए यूपीएससी के लिए जरूरत है आप एक ऑफिसर की तरह सोचे आपका निर्णय लेने का तरीका बींग एन ऑफिसर होना चाहिए दिमाग से आपको आई ऑफिसर तैयारी में ही बनना है तो ये चीजें आपको ये तरीके आपको स्टार्टिंग से सबसे पता चलने लग रहे होंगे ठीक है बेटा चलिए तो ये है हमारा तो भाई यहाँ पे ये बता भी रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए जैसे आप चैलेंज लिखेंगे फिर सरकार को आप दिशा निर्देश देंगे मतलब वे अहेड देंगे क्या वे अहेड देंगे कि भाई एक तो सबसे पहली बात ये है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ और उसी के साथ साथ जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है इसे कम करो संरचनात्मक असमानता को कम किया जाए ठीक है ये सारी बात बोली चलिए चौथे टॉपिक पर आते हैं हम लोग आई थिंक आप लोगों को तीसरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा ठीक है बहुत ही बढ़िया करण गुड 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 जी भाई दिमाग का ही खेल होता है संगत अच्छी हो तो बहुत आसान चीजें हो जाती हैं संगत डराने वाली हो तो इंसान काम करने से पहले ही डर जाता है कहते हैं ना इसीलिए कई बार अज्ञानता भी काम आती है अगर कोई इंसान सोचे ना मेरे को इतने ऊंचे पहाड़ पे जाना है तो अपने आप ही सोचने लगेगा अरे बहुत डिफिकल्ट है बहुत टफ है ठीक है परंतु अगर कोई जर्नी करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा तो आपको पता है ना वो बिहार के कौन से थे जिन्होंने पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया था और रास्ता बना दिया था उनके ऊपर तो मूवी भी बन गई थी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है मान जी यस 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 मूवी थोड़ा कम देखते हैं ना इसलिए दिमाग में चीजें याद नहीं आती है पूरे दिन न्यूज पेपर में ही चला जाता है चलिए चलिए हाँ मान जी मान जी मान जी बाय सैल्यूट है मतलब पहाड़ को तोड़ दिया और आप लोग भी देखेंगे तो कहेंगे यार पहाड़ तोड़ना कोई सिरफरा ही कर सकता है और आपको एक चीज बताऊं जिनके अंदर पागलपन होता है ना इतिहास वही बनाते हैं इतिहास कभी भी बहुत ही समझदार बहुत ही जीनियस लोग ने नहीं बनाया इतिहास साक्षी है इतिहास भी कहता है जिस जिसने अपना नाम पन्नों पे छपवाया है उन उनके अंदर एक अलग ही पागलपन देखने को मिला है समझ रहे हो मतलब लोगों का सपोर्ट नहीं मिला एडिसन जिसने बल्ब बनाया था उसको तक उसके <laughs> स्कूल के टीचर ने कह दिया था पर्चे पे लिख के अपने बच्चे को ले जाओ हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है ठीक है आइंस्टिंग कौन सा आपको ऐसा एग्जाम्पल दू बेटा जब आप सोशोलॉजी में थिंकर पढ़ेंगे ना तो सच बता रही हूँ कुछ कुछ थिंकर की लाइफ सोच के तो ना आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मैडम इतना बुरा हुआ था उनके साथ और उनका इतना बड़ा नाम है उनकी फैमिली खत्म परिवार खत्म बच्चे खत्म वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बच्चा खत्म हो गया कोई नहीं है कोई जीने का एक तरंग नहीं है उमंग नहीं है किसी का तो परिवार होता है ना परिवार बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है मित्र बहुत बड़े मोटिवेशन होते हैं जब किसी का ऊपर वाला सब कुछ ही ले ले तब वो बंदा कैसे आगे बढ़े ठीक है जब वो लोग कर सकते हैं तो यार आप लोग क्या यूपीएससी पास नहीं कर सकते हो बताओ हम्म hmm? बिल्कुल 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 हर कोई सपोर्ट करता भी नहीं है क्यों सपोर्ट करेगा अरे आप अपने परिवार में फैमिली में बोल के देखो कि आप यूपीएससी तैयार कर रहे हो आधे से आधा लोग तो अपने <laughs> रिश्तेदारों में ही आ जाएंगे अरे तुम क्या यूपीएससी करोगे तुमसे नहीं होगा कोई छोटी मोटी जॉब ले लो प्राइवेट जॉब कर लो ये कर लो वो कर लो ऐसे बोलने वाले आते हैं और फिर आपसे बार बार पूछते रहेंगे आई बन गया पेपर हो गया जिन्होंने खुद आई का फुल फुल फॉर्म भी नहीं पता वो लोग भी सलाह दे देंगे आपको ठीक है चलिए आगे बात करते हैं यस बेटा अंशु का डेली इसी टाइम पे क्लास होती है धर्म कर्म है सुबह सात बजे कॉपी पेन लेके अपना आ जाओ ठीक है और अपने इस डीएनए का पहले तारीख से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं कॉपी में तरीका आपको बता दिया है ये कॉपी है नोट आपको बनाना है जैसे आप आप लिखेंगे अपने हाथों से अपने हाथों से अपनी कॉपी बनाइए मोटी कॉपी बना लीजिए एक बार में एक साल के लिए मोटी कॉपी बना लीजिए ठीक है जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं बेटा ठीक है इतना इतना स्पेस कॉपी का छोड़ दो क्योंकि अगर ये न्यूज दोबारा से तीन महीने बाद आएगी तो जो चेंज होगा वो मैं यहां पर एड कर लूंगा या कर लूंगी मैं बार बार इसे थोड़ी ना पूरा लिखती रहूंगी आप समझ रहे हो बेटा तो इस तरीके से आपको चीजें याद हो जाएंगी यस yes. और आपका हर शनिवार तो मैं टेस्ट लूंगी लूंगी आप कितने पानी में हो आपको पता चल जाएगा चलिए चौथे टॉपिक पर आते हैं ठीक है सेंटर मस्ट टेक अवे फॉर स्टेट इन कोविड फाइट केंद्र सरकार को कोविड की लड़ाई में राज्य सरकार से रास्ता निकालना चाहिए मतलब यह है कि अब वो समय आ गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी आपस की लड़ाई ना लड़े राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार हमें वैक्सीन नहीं दे रही केंद्र सरकार हमें ये नहीं दे रही केंद्र सरकार वो नहीं कर रही केंद्र सरकार कहती है हेल्थ किसका सब्जेक्ट है पॉलिटी में पढ़ा है ना हेल्थ किसका सब्जेक्ट है राज्य का सब्जेक्ट है एग्री ऑन नॉट स्टेट लिस्ट में आता है शेड्यूल सेवन के अंदर है केंद्र सरकार कहती है तो तुम्हारा सब्जेक्ट है फिर क्यों हम पे ब्लेम कर रहे हो फिर राज्य सरकार बाहर की देशों से मिलने जाती है कि हमें वैक्सीन दे दो और बाहर के देश क्या कहते हैं हम तुम्हारी केंद्र सरकार से बात करेंगे तुम तो राज्य हो हम तुमसे बात नहीं कर रहे तुम्हारे भारत में 28 राज्य हम 28 के साथ थोड़ी ना बात करेंगे हम तो तुम्हारी केंद्र सरकार से बात करेंगे फिर राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार को कि वो लोग कहते हैं कि आपसे बात करेंगे फिर केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर आता है फिर केंद्र सरकार जाती है वहां पर मिलने के लिए कि वैक्सीन यहाँ पर भेजो भाई इतने में बहुत लोग ऊपर निकल लेते हैं एग्री और नॉट इतने में बहुत लोग मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हेल्थ इंफ्रा की कमी हो जाती है हाहाकार मच जाता है क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है कैसे कैसे सॉल्व करोगे है ना इशू अपने आप में है ना सब अपने आप में इशू तो यहां पे ये आज का एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है ये एडिटोरियल कहता है केंद्र सरकार को रास्ते निकालने चाहिए अब ब्लेम या लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि ये राज्य कर रहा है या राज्य से नहीं हो रहा है या राज्य का लिस्ट है भाई पेंडेमिक है देश आपका है आप केंद्र सरकार हो आप सत्ता पे हो तो आप इस मुहिम को उठाओ क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार के बाद केंद्र के ऊपर ही नजर रखता है हर कोई क्या बोलता है एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी क्या बोलता है मोदी जी ऐसा ही बोलता है ना अरे महंगाई हो गई मोदी जी के कारण हुई तीन सौ सत्तर मोदी जी के कारण हटा जब मोदी जी को प्रशंसा मिलती है अगर कुछ गलत होता है तो मोदी जी को बुराई भी तो मिलेगी एग्री नॉट तो एडिटोरियल में जो राइटर है वो अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इसी बात को लिखता है कि केंद्र सरकार को अपना एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए मेन मेन पॉइंट बता देती हूं हु? अब कुछ लोग तो कोरोना में टीका लगाने के बाद अपने आप को ऐसा पावरफुल मान रहे होंगे मुझे तो करोना होगा नहीं अब जहां आप लोग सावधानी हटाओगे वही दुर्घटना होगी कितने सारे ऐसे केसेस है ऐसा नहीं है आपको टीका लग गया तो अब आपको सावधानी नहीं रखनी है ये पहली लाइन लिखी हुई है कि अब लोगों का इंडियंस का विश्वास हो गया है कि उनकी कोरोना से लड़ने की शक्ति बहुत तेज हो गई है क्यों तेज हो गई है क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है ठीक है एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया ठीक है लोगों को भी ऐसा लग रहा है यहां पे ये यह स्टेटमेंट बोल रहा है परंतु जो सेकेंड वेव है उसमें डेली बेसिस पे चार हजार के आसपास जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड रहता है तो इसीलिए आप अगर उसके बारे में एक प्रॉपर क्राइसिस के बारे में देखा जाए सेकेंड वेव के क्राइसिस के बारे में तो समय आ गया है अब हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहिए सबसे पहली चीज भारत सरकार का ये पॉइंट है कि राज्य अपने दम पर कई सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आ आगे रहे जिनमें बहुत लंबे समय तक भारत सरकार को समर्थन और वित्त पोषण दिया गया है सरकार को यह देखना चाहिए कि किन राज्यों में सबसे ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं एग्री और नॉट किन राज्यों में आ, सबसे ज्यादा पेंडेमिक की चपेट है उनको कैटेगराइज करें उनको जो हेल्प देनी है वो हेल्प प्रोवाइड करें ठीक है इसके साथ साथ अब स्टेट जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट स्टेट को भी पूरी पावर और ऑटोनोमी होनी चाहिए ठीक है अच्छा इसके अलावा भारत सरकार की प्रमुख भूमिका किसमें है वैक्सीनेशन में है भारत सरकार की प्रमुख भूमिका है कि प्रॉपर वे से टीकाकरण होना चाहिए ठीक है टीकाकरण में है और वैक्सीन सारी वैक्सीन भारत सरकार द्वारा ही की खरीदी गई है ये मैंने आपको बताया था ना कि जब राज्य सरकार बाहर की कंट्री के पास गई थी कि यूएसए में ठीक है फार्मास्यूटिकल कंपनी है राज्य सरकार गई थी कि हमें वैक्सीन दे दो तो उन, उन कंपनीज ने कहा कि केंद्र सरकार से बोलो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से हम बात करेंगे तो फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार के बोले तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर भी पड़ा कि भाई वैक्सीन लगवानी है ठीक है तो यही पे ये यह बात कह रहा है कि सभी वैक्सीन जो है भारत सरकार के द्वारा खरीद ली गई है खरीद रहे हैं ठीक है और इस पर केंद्र सरकार की जरूरत है परंतु केंद्र सरकार कहती है राज्य अपना बता दे कि किसको कितने वैक्सीनेशन की जरूरत है उस आधार पे आपको वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी ठीक है तो ये यह यहाँ पे सारी बात बोल रहा है उसके बाद ये भी कह रहा है भारत सरकार को अपने आ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए यस हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए और इसी के साथ साथ जो सिस्टम uh, है सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो देखिए यहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम के बारे में भी बोल रहा है ठीक है यहाँ पर क्या है गवर्नेंस सिस्टम के बारे में भी बोल रहा है पारदर्शी करना चाहिए और जो राज्य ज़्यादा ज़रूरतमंद है जिनको ज़्यादा नीड है जो नीडी राज्य है ठीक है उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना चाहिए अब यहाँ पे ऑथर कहता है कि राज्य सरकार ने जब ये कोरोना की सेकेंड वेव आई तो लॉकडाउन करा लॉकडाउन बिल्कुल सही डिसीजन है क्योंकि लॉकडाउन करने से जो विकराल रूप हो सकता था इससे भी ज़्यादा क्योंकि ये बीमारी क्या है ये इन्फेक्शन से एक तरह से फैलने वाली कॉन्टेजियस है समझ रहे हो आप लोग तो लॉकडाउन सबसे बेस्ट है क्यों क्योंकि एक तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपना देखो क्या आपके देश में सबने वैक्सीनेशन लगाई है ठीक है क्या सब आपके देश में सबको अवेयरनेस है ये सब चीजें भी आपके देश में भी कमी है तो उसका सॉल्यूशन यही बनता है कि आप लॉकडाउन प्रॉपर वे से लगा के रखें ठीक है सही विकल्प चुना है और ये हर तरीके से आप ये कह सकते हो राज्यों ने अपने कैलिब्रेशन मतलब जो जिस राज्य की जितनी हिम्मत है उस तरीके से उतना उन्होंने लॉकडाउन

अच्छा इसके अलावा तो यहाँ पे ये बात भी बोली है कि जैसे उचित तरीके से मास्क पहनना उचित तरीके से मास्क पहनना हाथ धोना ये सारा भी जोखिम से बचा के रखता है तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए हैंड आउट्स रखना चाहिए अंत में मैंने आपको क्या कहा जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको अपनी आंसर राइटिंग में एक पॉजिटिव वे से आंसर खत्म करना है आपको एक सोल्यूशन के साथ आंसर खत्म करना है तो आप क्या सोल्यूशन देंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दूसरा क्या है लोगों को अवेयर करना चाहिए मास्क मास्क पहनना हैंड आउट्स करना हैंड वॉश करना सैनिटाइज़र का यूज़ करना इन सबकी संख्या को बढ़ाना चाहिए येस और नॉट ठीक है तो ये हमारे और दूसरी चीज़ ये है सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और हमारे पूरे देश में वैक्सीनेशन लगनी चाहिए ठीक है और वैक्सीनेशन के बाद भी आप अपने आप को बचा के रखें असावधानी नहीं करनी है वैक्सीनेशन के बाद भी वैक्सीन लग गई ये है कि अब वो क्रिटिकल कंडीशन नहीं आएगी अब आप बच जाओगे परंतु फिर भी अपने सावधानी अपने हाथ है ठीक है हां जी क्या कह रहे हैं बच्चा हाँ हाँ विनिंग एटमोस्फेयर जी देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन चूज किया है वो बिल्कुल सही बात है वो फॉर द सेक ऑफ टाइम है वो कुछ समय के लिए है बिल्कुल आपकी इकोनॉमी इंपैक्ट होती है परंतु आप बेटा एक चीज बताइए अगर आपके देश में स्वास्थ्य और पेंडेमिक के कारण लोग मरने लगेंगे तब क्या करेंगे और जहां पे इतनी संख्या लाखों में बढ़ रही है क्योंकि भारत एक कंजेशन है भारत में एक करोड़ की तो जनसंख्या रहती है भारत को यूएस हो ही ना है कि भाई जहां पे डेवलप लोग है अवेयर अवेयर लोग है जहां पे लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं भारत में तो लोग ये सोचता है अरे दो का चलान कटेगा इसलिए मुंह में मास्क लगाना है भारत के अंदर ये है कि नहीं है बताओ अभी भी आपको कितने सारे ऐसे राज्य मिल जाएंगे जहां पे लोग बिल्कुल चोड़े होके बिना मास्क के चल रहे हैं भाई उन्हें तो अब कोरोना वरोना सब गया कोई कोरोना नहीं है लोकल लोग आपको ऐसे सुनते हुए दिख जाएंगे फिर क्या आप जवाब दोगे बोलो तो अपने देश के हिसाब से ही तो पॉलिसी बनाओगे ठीक है बिल्कुल सही बात है और जब आपके देश इसीलिए तो क्या है आप अवेयर करो लोगों को अवेयर करो मास्क पहनो सोशल डिस्टेंसिंग करो सैनिटाइजर करो सैनिटाइजिंग करो वैक्सीनेशन पूरे भारत में लगाओ और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वैक्सीन भी पैसों में लग रही है तो राज्य सरकार ये भी करे कि जहां पर गरीब लोग हैं उनको फ्री में वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड की जाए महिलाओं की वैक्सीनेशन कराओ पुरुषों की वैक्सीनेशन कराओ बच्चों की भी करवाओ क्योंकि अब थर्ड वेव भी आने के चांसेज है तो अब अब ये चीज है इज इट क्लियर ठीक है हाँ जी तो यही सारी बात बोल रहे हैं यहाँ पे ठीक है अब आते हैं टॉपिक फिफ्थ पर ठीक है हाँ टॉपिक फिफ्थ जो है वो आपका योगा दिवस के ऊपर है यस yes, योगा डे के ऊपर है टॉपिक फिफ्थ इज ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ठीक है ये यह यहाँ पे गड़बड़ हुआ है दिस इज रिलेटेड टू योगा ये एक्चुअली डबल शीट हो गई है ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा ठीक है बाद में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना तो ये ध्यान रखिएगा हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा <coughs> वंदना जी कहती है मैम क्या केवल और कोचिंग कोचिंग पर ही लॉकडाउन है <coughs> हाँ जी हाँ जी करण बिल्कुल कोरोना की थर्ड वेव आ रही है बच्चों के लिए है वो कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं उनको इम्पेक्ट पड़ेगा मैम आंसर सेंड किया है प्लीज चेक करिएगा मेल पे सेंड किया ठीक है बेटा चेक कर लेंगे क्योंकि आप आप एक चीज का ये भी ध्यान रखिएगा आप बच्चे बहुत हो मैडम एक है तो इसीलिए मैं ऐसा करूंगी जैसे एक दिन में मैंने छः सात आंसर राइटिंग है दस आंसर राइटिंग चेक कर ली दूसरे दिन मैंने दस कर ली तीसरे दिन मैंने दस कर ली इस तरीके से मैं आंसर राइटिंग आपको चेक करके प्रॉपर वे से आंसर देती रहूंगी ठीक है बेटा आज कौन कौन योगा किया है योगा डे पे बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है अंजलि कुमारी ने बिल्कुल सही क्वेश्चन है <laughs> Uh, सहदेव कह रहे हैं मास्क पहनने से रुके कोरोना तो मैं पहनूं ट्रिपल हाँ बिल्कुल पहनो बिल्कुल पहनना चाहिए सैनिटाइज होना चाहिए और भारत के जितने भी मानव आपके आसपास में दिख रहे हैं उनसे दूरी बना के रखना ठीक है चलिए बेटा अपने नवीन कुमार कह रहे हैं मैम बीपीएससी में भी आएगा कौन सा ऐसा पेपर है जो बिना करंट के पास होता है आई एस मतलब बिहार में एस बनेंगे तो बिना करंट अफेयर के बन जाएंगे इम्पॉसिबल तो ये हर एग्जाम के लिए है हर एग्जाम का मतलब यूपीएससी आई एस प्रीलिम्स सी प्रिलिम्स मेन्स व पीसीएस बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस झारखंड पीसीएस सारे पीसीएस में क्योंकि न्यूज पेपर तो हर पीसीएस हर यूपीएससी में पढ़ना ही पढ़ना है और यहां हम और में ही तो देख रहे हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा उसके बाद फिर हम आपसे विदा लेते हैं ठीक है बेटा एक चीज और है कल से आपकी क्लास मतलब कल से क्या आज से ही आपकी क्लास हो जाएगी सात बजे से साढ़े आठ बजे तक होगी क्लास ये ध्यान रखिएगा बेटा ठीक है मैडम जी मैंने गांव में कोरोना वैक्सीनेशन अवेयरनेस कराया है गांव में हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेटेड कराए बहुत बढ़िया मैंने कहा ना आप आई की तैयारी कर रहे हैं अभी से आई की सोच सोचने लग जाइए थिंक लाइक एन ऑफिसर यस ये बहुत अच्छा काम है बिल्कुल मितलेश करते कहते हैं मैं रोज योगा करता हूं बिल्कुल योगा करना चाहिए पाँच सात मिनट लगते हैं कपाल भाती वगैरह कर लो सांस को बाहर निकाल दो थोड़ा फेफड़े आपके बढ़िया हो जाए जब फेफड़े आपके बढ़िया होंगे तो करोना प्रोना का कुछ असर नहीं होगा सही बात की नहीं चलिए बेटा टॉपिक पर आते हैं ठीक है एक बच्चा शिवांगी का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मैम इसके बाद पेपर रीड करना इंपॉर्टेंट है नहीं डीएनए पढ़ लिया नोट्स अपने डीएनए के अपने हाथ से बनाने हैं कोई न्यूज़पेपर अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं अब मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही हूँ मैं खुद न्यूज़पेपर का एनालिसिस करवा दूंगी क्योंकि आप लोग पढ़ोगे पता नहीं आप लोग टॉपिक को समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो फिर उसके बाद आप पहले थोड़ा पढ़ लो फिर आपकी इच्छा शक्ति ज्यादा प्रबल हो जाए तो फिर आप पढ़ भी लेना ठीक है परंतु अभी आप पहले थोड़ा डीएनए ही फॉलो कर लो ठीक है ठीक <laughs> है यस 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 वेरी गुड वेरी गुड चलिए लास्ट टॉपिक पर आते हैं हम देखते हैं इक्कीस जून क्या है आज इक्कीस जून इंटरनेशनल योगा डे तो आज के दिन योगा करना जरूरी है आज के दिन नहीं मतलब हमेशा ही योगा करना जरूरी है परंतु आज के दिन इस तरीके से मनाया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2015 में यूनाइटेड नेशन में भारत ने सबसे पहले पहल की और भारत ने कहा कि योगा होना चाहिए जिससे सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और यूनाइटेड नेशन ने और अन्य देशों ने मंजूरी दिया और स्टाम्प लग गया और मना लिया गया क्या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यस ठीक है तो लिखा हुआ है ना 21 जून अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है यूएन ने घोषित किया योगा के विज्ञान पे नजर डालने को कहा योगा एक ऐसे खजाने का है जो भारत भारत के प्राचीन भूमि से लिया गया है भारत ने खोजा है आज चाइना का नाम है कुंफू में एग्री और नॉट चाइना का नाम है कुंफू में ठीक है परंतु कुंफू की शुरुआत किसने की इंडिया ठीक है तो हम लोग अपने ही इम्पोर्टेंस को नहीं जानते हैं हम लोग दूसरी कंट्री को देखते हैं उन्हें बोलते हैं कि हाँ ये कंट्री है, ऐसी है ये ही बहुत बढ़िया है अगर हमने अपने को रियलाइज कर लिया ना हमारे देश में इतने से हैं इतना आयुर्वेदिक का भंडार है कि लोगों को बीमारी बीमारी क्या कुछ नहीं हो सकता है आप समझ रहे हैं ठीक है यस 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 शिवांगी जी बहुत बढ़िया कोई क्वेश्चन है आप लोगों का आ, वर्मा जी कहती है मैम आई एम स्टूडेंट ऑफ ट्वेल्थ क्लास बहुत बढ़िया बेटा आप लोग साथ में डेली डीएनए देखिए मोटी कॉपी बना लीजिए पहली तारीख से लेके आज तक जितना भी डीएनए हुआ है रात को कान में लीड लगाइए सारा अपना नोट्स बनाते हुए चलिए अपने हाथों से इस शनिवार डीएनए का टेस्ट होगा टेस्ट होगा लिम्स का भी टेस्ट है मीन्स का भी टेस्ट है ठीक है बेटा यस 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 बिल्कुल कोई क्वेश्चन है आप लोगों का हां जी मैम प्लीज़ स्ट्रेटेजी शेयर करिए ठीक है एक काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आ, एक बार ना पूरा सिलेबस बता दूंगी प्रीलिम्स और मेंस का ठीक है क्योंकि बहुत से बच्चों ने मैसेज भी किया था एक बच्चा कह रहा है मैम डीएनए मतलब डेली न्यूज़ एनालिसिस ठीक है डेली न्यूज एनालिसिस का क्या क्या है ये मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि मैं द हिंदू का एडिटोरियल लेती हूँ इंडियन एक्सप्रेस लेती हूँ डाउन टू अर्थ लेती हूँ मिंट लेती हूँ एशियन मैगजीन लेती हूँ प्लस में राज्यसभा टीवी और पीआईबी मतलब छः सात सोत्रों से जो मुझे लगता है कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट है उस न्यूज को लेती हूँ क्योंकि आपने द हिंदू में देखा होगा कि हर पांच छः दिनों के बाद न्यूज आपका रिपीट हो जाता है अब जो रिपीट होता है उसको बार बार क्या जरूरत है उसकी जगह पे हम नया टॉपिक कर लेंगे और जब कुछ भी चीज़ है वो फाइनलाइज हो जाएगी वो फिर आपको एंड में बता देंगे कि भाई इसका ये हुआ अब पंद्रह दिन तक इसराइल पैलेस्टीन चलता रहा हम पंद्रह दिन तक डेली इसराइल पैलेस्टीन बताए उसका कोई मतलब थोड़ी ना है इसकी जगह पे हम आ, कुछ पंद्रह टॉपिक अलग नए कर लेते जो भी अंत में होगा वो इसराइल पैलेस्टीन का बता दिया बच्चों को क्या है माजरा क्या है एक बार में बता दिया हम लोग तो ऐसे ही करते थे कि मतलब Uh, पहले कोई भी इशू चल रहा है ना चलने दो पांच सात दिन वो न्यूज़पेपर में खिंचता है खिंचने दो खिंचने के बाद जो भी एंड में होता था फिर उसके बाद उस पे पूरी एनालिसिस करके अपनी कॉपी में डाल लिया काम खत्म तरीका होता है ठीक है हाँ जी मैम बस एक न्यूज़पेपर से एडिटोरियल ही लिया है hmm, अच्छा जब हिंदू इंडियन प्रेक्स आ, Uh, हाँ जी मैं ये सारी चीजें अपने आप इंपोर्टेंट लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं भी एनालिसिस कर रही हूँ कि क्या पेपर में आ सकता है क्या नहीं आ सकता और मैंने खुद आपको ये कहा है कि मैं डेढ़ साल का न्यूज पेपर कवर करूंगी आज के न्यूज में भी तीन एडिटोरियल तो आज के ही हैं दो मैंने पिछली बार के लिए हैं तो मतलब पिछली बार का भी मैं डेढ़ साल का कवर मैं ऐसे ही करूंगी और कल जो होगा ना कल मैं शायद आपके जून जुलाई 2020 के न्यूज़ भी कवर करूंगी कुछ दो तीन दो तीन आ, जो न्यूज़ मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लेकर आऊंगी और साथ में जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल लगते हैं ठीक है बेटा अनुपम <coughs> सिंह जी कह रहे हैं है, मैम आपने मेरा रिप्लाई नहीं दिया अच्छा सौ डेढ़ सौ ढाई सौ वर्ड्स में कैसे लिखना है ये ये मैं बता देती हूँ एक बार ठीक है ये मैं बता देती हूं बेटा देखो आपके पेपर में मेंस में ठीक है <coughs> हाँ मेंस में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा मेंस में एक तो आपका डेढ़ सौ वर्ड्स का आता है ठीक है दस नंबर का दस मार्क्स का ठीक है और एक आपका आता है ढाई सौ वर्ड्स ढाई सौ वर्ड्स का आता है आपका पंद्रह नंबर का ऑप्शनल का जब मैं आपको सिलेबस शुरू कराऊंगी ना ऑप्शनल पेपर जी तो मैं आपको सिलेबस दोबारा बताऊंगी क्योंकि कल तो मैंने बस इसलिए ऊपर ऊपर से कहानी बता दी कि भाई कोई नया बच्चा है उसको समझ में आ जाए कि भाई ऑप्शनल लेना है या नहीं लेना सोशोलॉजी लेना है या नहीं लेना कल तो मैंने उस तरीके से बताया पर जब मैं आपको सोशोलॉजी पढ़ाने लगूंगी तो आपको प्रॉपर सिलेबस पूरा बुक लिस्ट पूरी स्ट्रैटेजी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ठीक है ये सारी चीजें पहले आपको अवगत कराऊंगी ये सारी चीजें बताऊंगी फिर क्लास स्टार्ट होगी उसी तरीके से और क्वेश्चन में किस तरीके से जैसे सोशोलॉजी में तीन सौ वर्ड्स का आता है ऑप्शनल में तीन सौ वर्ड्स का आता है जीएस के पेपर में जीएस का है जीएस में बेटा डेढ़ सौ वर्ड्स का दस नंबर ढाई सौ वर्ड्स का पंद्रह नंबर अगर आपके डेढ़ सौ वर्ड्स आ रहे हैं तो यूपीएससी आपको एक पेज देगी ठीक है और यहाँ पे यूपीएससी लाइन भी लगा देती है यूपीएससी इसलिए लाइन लगा देती है कि आपने इससे ज्यादा यूज नहीं करना क्योंकि पहले बच्चे क्या करते थे ना यहां से लिखना शुरू किया किया, किया, किया किया उनका लिखना ही खत्म नहीं हो रहा इतना लिख दिया इतना लिख दिया बेचारा एग्जामिनर कैसे चेक करे और भी तो कॉपीज होती है एग्जामिनर पे भी तो थोड़ा रहम करो अब यहां पे इतना यूपीएससी की शीट में इतना हाशिया होता है अगर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो याद रखना आपका वर्ड यहाँ से यहां चला गया ना तो ये ध्यान रख लीजिएगा जब आप मेंस का पेपर देंगे तो सबसे पहला जो शीट होता है उसमें क्वेश्चन नंबर लिखा होता है पेज नंबर लिखा होता है और उसी के साथ एग्जामिनर ने किस क्वेश्चन में कितना नंबर दिया ये भी आपको मेंस की शीट में आपको दिखेगा और उसी के साथ साथ अगर आपका यहां से लिखते लिखते यहां पर आपका आंसर चला गया तो माइनस हो जाएंगे आप लोगों के ये ध्यान रखिएगा अगर किसी ने रेड पेन का यूज किया है तो माइनस पांच हो जाएंगे आप लोगों के ये ध्यान रखिएगा मेन्स आंसर राइटिंग में रेड पेन का यूज नहीं करना ब्लू पेन का यूज करना है ब्लैक का करना है पेंसिल करनी है शॉर्पनर और रबड़ ये आपके पास मेंस के पेपर में होना चाहिए मेंस के पेपर में आ, स्केल एक होना चाहिए और सर्कल बनाने के लिए कोई वृताकार आप रख लेना ये मेंस के पेपर में आपके पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए दूसरी चीज ये है इस चीज का ध्यान रखना आपका आंसर या नहीं होना चाहिए तीसरी चीज आप लोगों को कभी भी शॉर्टकट नहीं मारने जैसा कि जो कि ये गलती मैंने की थी और मेरे काफी मार्क्स कटे भी थे जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही हूं तो मैं ऐसे लिखती थी बस ऐसे लिखती थी मेरे को बहुत बार बोला गया टोका भी गया टेस्ट सीरीज में भी मेरे को टोका गया बोला भी गया मेरा शॉर्टकट मारने की बड़ी गंदी आदत है वो आदत बचपन से है वो सुधर ही नहीं रही है आज भी कई बार मैं पढ़ाते पढ़ाते भी ऐसा कर देती हूं तो मैं शॉर्टकट मारती थी ये मेरी गलती है वो गलती है आप मत करना ठीक है आंसर आप लिख रहे हो, काटा पाटा ये करना। प्लीज मत करना एग्जामिनर समझ जाता है आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आप इस आंसर के लिए बिल्कुल भी आ, मतलब सुचारू रूप से आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो तो वो पहले से ही मन बना लेता है इसको निपटाना है मतलब इसको दोबारा से मेंस लिखना चाहिए एग्जामिनर ऐसा थॉट प्रोसेस बना लेता है आपके क्योंकि एग्जामिनर आपको थोड़ी ना जानता है कि ये लक्ष्मी कैसी बेटी है एसपी राठौर कैसा है एग्जामिनर ने आपको थोड़ी ना पढ़ाया है वो आपको कैसे जानेगा वो आपको पहचानता है इस आंसर राइटिंग से कि लक्ष्मी ने अगर पढ़ा है एक साल तो उसने कैसा पढ़ा है वो इसकी आंसर राइटिंग बताएगी समझ रहे हो आप लोग तो वो एग्जामिनर जो है जो सीनियर प्रोफेसर है जिसको यूपीएससी ने फॉर्मेट भी दिया है आप समझ रहे हैं पैसठ सत्तर साल का व्यक्ति आपका आंसर राइटिंग चेक करेगा, तो उसका मूड आपको खराब नहीं करना है आपको ऐसे आंसर लिखना है कि एक बूढ़े व्यक्ति को परेशानी ना हो ये मैं आपको आसान भाषा में बता रही हूं इससे आसान मैं नहीं बोल सकती हूं ये बिल्कुल आसान भाषा में बोला है आंसर लिखते हुए एग्जामिनर को कष्ट ना हो ऐसा आंसर लिखने की कोशिश करना आंसर पॉइंट्स में होना चाहिए बहुत अच्छा है आंसर आंसर छोटा पैराग्राफ हो। कई राइटिंग शुरू में मैंने आप लोगों की देखी थी इतना बड़ा पूरा एक साथ चलता अरे यार क्या कर रहे हो मतलब पैराग्राफ की भी धजियां उड़ रही हैं जब पैराग्राफ वर्ड बोल दिए तो यार छोटा छोटा बांटो ना उसे अगर आपको लगता है यार यहाँ पे डायग्राम बन सकता है तो यार डायग्राम बनाओ एग्जामिनर की झोली से नंबर खींचो ना किस तरीके से नंबर मिलेंगे ठीक है डायग्राम बनाओ डायग्राम बन सकता है शॉर्ट में बन सकता है एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट कहानी एग्जाम्पल एग्जाम्पल करंट अफेयर के डालो जैसे मैंने आज मैंग्रुप पढ़ाया ठीक है जैसे मैंने आज मैंग्रूव पढ़ाया तो एग्जाम्पल डाल दो सरकार आ, इस दिशा में वेस्ट बंगाल ने 50 मिलियन मैंग्रोव लगाने का भविष्य में निर्णय किया है आपने दोनों का सहयोग होगा, तो किसी भी आपदा से राज्य लड़ सकता है वह देश में एकता होने से देश आगे अग्रसर होगा इस तरीके से अपनी लाइन बना कितना टाइम लगेगा यार एग्जामिनर का भी दिल खुश होगा कि हाँ Have an attitude like an IS. समझ रहे हो आप लोग ठीक है हाँ स्नेहा कह रही है मैम क्या आप पिछले बीस दिनों का टेस्ट लोगे जब से मैंने डीएनए शुरू किया है पहली तारीख से लेके आज 21 तारीख तक मतलब शनिवार को डीएनए का टेस्ट है तो फ्राइडे तक जितना डीएनए कराऊंगी सबका टेस्ट होगा प्रीलिम्स का मेंस का मेंस में दूंगी पांच क्वेश्चन तीन घंटे सबकी आंसर कॉपी मेरे को मेल पे पहुंचनी चाहिए ठीक है तीन घंटे आप अपने हिसाब से देख लेना प्रीलिम्स का टेस्ट तो मैं आमने सामने ही ले लूंगी क्योंकि मुझे भी तो लेवल पता चलेगा कि बच्चों का लेवल क्या है तभी मैं से समझ जाऊंगी क्योंकि अब तो आपकी क्लास के बहुत सारे बच्चों के मेरे को नाम भी याद हो गए हैं ठीक है अब अब इससे मेरे को पता चलेगा अच्छा इस बच्चे में ये कमी है तो इसको ऐसे इम्प्रूव किया जाए भाई हम भी तो डिजिटली कनेक्ट है ऑफ़लाइन थोड़ी ना है जो मैं आपके सामने जाके देखूं और आपको छोटी सी पिटाई करके कहूं कि नहीं इसको ऐसे नहीं करना हम डिजिटली तो कनेक्ट है तो ऐसा हम कर सकते हैं भाई मेरी तरफ से पूरा हंड्रेड कोशिश रहेगी कि जस्टिस होना चाहिए क्लास अगर चल रही है तो बच्चे का इंप्रूवमेंट होना चाहिए ठीक है चलिए बेटा दूसरी चीज ये है ये मैंने आपको बता दिया कहा नंबर कटता है तो डेढ़ सौ वर्ड्स अगर आया है तो बेटा आपको एक पेज मिलेगा इधर हाशिया इधर हाशिया इधर हाशिया इधर हाशिया तो आपको इतने में ही लिखना है इतने में ही आपको लिखना है इतना आप समझ गए बेटा येस ओ नॉट ठीक है हाँ जी अगर 250 वर्ड <Ez1> mm -hmm. का, तर, mm -hmm का आता है तो बेटा आपको दो पेज मिलेंगे इतने में आपको लिखना है ठीक है बेटा इतना आप समझ गए येस ओ नॉट ठीक है चलिए बेटा मिलते हैं आप कल की क्लास में आज के लिए इतना ही विदा लेते हैं आपसे और मेरा आप लोगों के लिए प्यार और शुभकामनाएं पूरे दिल जान से अच्छे से पढ़ाई करते रहो चाहे कोई बच्चा नया है नहीं पढ़ा पिछला डीएनए रात को बैठो पूरी रात बैठो स्टूडेंट हो भाई अगर जंग में गए हो तो अस्त्र शस्त्रों को नुकीला बना लो ठीक है पूरी रात कान में लीड लगा के अपना अपने नोट्स बनाओ याद करो जो करना है करो अपने तरीके से शनिवार को आपका टेस्ट है ऑल दी बेस्ट धन्यवाद